Uh, right? so, you. You, so शीष जी आप लोग एक बार बोलिएगा जब मेरा स्क्रीन आपको दिखने लगे राइट right, सर सर, yes, दिखने लगा बहुत बढ़िया तो धन्यवाद आशीष जी सुप्रभात सभी को जम्मू में अभी सभी लोग जम्मू में है या कहीं कोई दूर से भी मीटिंग में आया हुआ इस में में मीटिंग सभी जम्मू से हैं, उसमें से हमारे दो जो स्टार्टअप हैं वो कश्मीर से हैं एंड एक जो स्टार्टअप है वो दिल्ली से है मिस्टर बुद्धा ब्रह्म अच्छा अच्छा तो मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिखता जाता हूँ मुझे लाइव आ, मीटिंग के समय लिखने की आदत है और लोगों को भी आनंद आता है क्योंकि जो बातें हो रही हैं वो वहीं के वहीं आ, सामने हमको दिखती भी हैं तो आज आ, मुझे बहुत सौभाग्य मिला है कि आप लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है इतने सारे व्यवसायी नए नए खेती के क्षेत्र में एग्रीकल्चर से जुड़े हुए अलग अलग व्यवसायों में जुड़ रहे हैं तो जब मैं मुझसे आशीष जी दो तो तीन दिन पहले बात कर रहे थे तो इस मीटिंग की निमंत्रण मुझे तीन तीन दिन पहले का भी आया था पर उस दिन बिल्कुल एक दिन पहले ही आया था इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था पर क्योंकि मेरी एक दो और जगह भी ट्रेनिंग्स चल रही हैं अभी तो वो चलती रहती हैं क्योंकि मैं एक योग शिक्षक हूँ संस्कृत शिक्षक भी हूँ और मैं एक कॉरपोरेट शिक्षक भी हूँ तो काफ़ी सारी कंपनियाँ उन लोगों को काम पड़ता है कुछ कुछ टेक्नोलॉजी के विषय भी हैं जो कंपनियों को अपना काम चलाने में काम में आते हैं तो आपने अभी जैसे कुछ कुछ उनमें से आशीष जी ने बोला भी तो, तो जैसे उनमें से एक है जो किसी भी व्यवसाय को और सिर्फ व्यवसाय ही नहीं कोई भी संस्था तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो कोई पैसे कमाने वाली संस्था हो लेकिन एक कोर्स जो मैं सिखाता हूँ वो किसी भी संस्था को कैसे बनाना कैसे बढ़ाना कैसे फैलाना इन सब के ऊपर भी वो कोर्स लोगों को शिक्षण देता है या फिर आप कह सकते हैं ट्रेन करता है प्रशिक्षण देता है तो काफ़ी मज़ेदार चीज़ है पर वो कोर्स को सीखने के लिए ज्यादातर किसी ने कहीं ना कहीं काम किया हो चार पाँच साल छः साल कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं काम किया हो फिर चाहे वो दस साल किया हो चाहे बीस साल किया हो पाँच छः साल किया हो तो समझ में आता है तो वो और मुझे सिखाने में बहुत मज़ा आता है मुझे जो चीज़ें समझती हैं जो चीज़ें वो मैं लोगों को सिखा पाता हूँ तो मुझे काफ़ी सारे मेरे कॉलेज के स्कूल के बहुत सारे लोग हमेशा से कहते थे तो फिर मैं लगभग दस पंद्रह साल से अब लोगों को सिखा रहा हूँ तो आज हम सीखने वाले हैं प्रस्तुति में कुशलता तो आप जो भी जानते हैं या आप जो समझते हैं वो खुद को खुद तो समझते हैं लेकिन वो किसी और को कैसे प्रस्तुत किया जाए कैसे प्रस्तुत किया जाए तरीके कई सारे होते हैं पर जिससे दूसरे को फ़ायदा हो जिससे दूसरे को फ़र्क पड़े तो किसी भी व्यवसाय के लिए और वैसे तो आम आदमी के लिए भी ये ज़रूरी है पर व्यवसाय में क्योंकि हमको और लोगों की मदद की जरूरत पड़ती है व्यवसाय में जैसे हम जब पैसा लगाने के लिए या दूसरी तरह की मदद लेने के लिए भी और लोगों को उनके पास जाते हैं तो उनको बताना ज़रूरी है कि आप करना क्या चाहते हैं क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं तो आप जब तक समझाएंगे नहीं कि आप क्या कर रहे हैं तो उन वो लोग कैसे मदद करेंगे किस चीज़ में मदद करेंगे तो ये सीखना वैसे तो हर किसी के लिए काम का है पर व्यवसायी के लिए तो बिल्कुल सबसे ज़्यादा काम का है तो आपको नीचे मेरा नाम यहाँ पे दिख रहा होगा और ये मीटिंग के अंत में मैं आपको अपना संपर्क भी दे दूँगा यदि कोई भी मुझसे संपर्क करना चाहे और वैसे आशीष जी की मदद से भी आप मुझसे बात कर ही सकते हैं क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आज आप लोग सब साथ में आए तो हैं सीखने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा यहाँ से सीख के आज जाएं पर क्योंकि आप लोगों को आगे भी अपने अपना जो भी आपने चालू करने की ठानी है उन चीज़ों के बारे में अपने अपने प्रस्तुतिकरण कभी ना कभी करने होंगे तो मैं ये कोशिश करना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें आज हम सीखें जो आप हर एक अपने अपने प्रस्तुतिकरण में उपयोग कर सकें और कुछ दिन बाद हम वापस मिलें और आप अपना बनाया हुआ जो भी है वो हमको दिखाएं या मुझे दिखाएं कम से कम मुझे तो पक्का दिखाएं बाकी जिस जिस को उत्सुकता है या रुचि है वो भी जुड़ सकते हैं मुझे लगता है कि आशीष जी फिर से इस तरह का कुछ प्रबंध कर सकते हैं कि वापस सब लोग मिलें और इस बार हम आपकी तरफ से देखें कि आप क्या क्या सीखे और आप किस किस तरह से अपने व्यवसाय में काम कर रहे हैं तो मैं व्यापार का वास्तुकार हूँ जो जो अभी मैंने बताया कि एक मेरी ट्रेनिंग है एक प्रशिक्षण है जो जिसमें कोई भी संस्था को कैसे बनाना कैसे बढ़ाना कैसे फैलाना कैसे संभालना उस सब के बारे में सीखा जाता है तो ये वो चीज़ है जिसमें मैं अपने आप को वास्तुकार कहता हूँ वास्तुकार मतलब इंग्लिश में आपने सुना होगा आर्किटेक्ट तो वास्तुकार क्या करता है एक जैसे उसको एक मंदिर बनाना है या उसको एक कोई और भवन बनाना है तो वो उसकी पूरी जो जिस तरह से वो मन में सोचता है कि ऐसा वो दिखेगा या ऐसा दिखना चाहिए वो कागज़ पे या कहीं पे वो अपना बनाना चालू करेगा कि ऐसा ऐसा होना चाहिए यहाँ खिड़की होगी यहाँ पे छत होगी छत में लाल रंग होगा यहाँ पे नीला पीला होगा और यहाँ पे दरवाजा होगा यहाँ पीछे भी एक दरवाजा होगा तो वो एक पूरी रूपरेखा उसकी तैयार करता है और, बाद, और अभी तक ये सब कुछ सिर्फ कागज में है या फिर उसके मन में है लेकिन जब उस रूपरेखा को देख के कोई और या फिर वो खुद उसको सही में एक पूरा भवन बनाए घर बनाए या मंदिर बनाए या कोई और भवन बनाए तो उस रूपरेखा को जो उसने शुरू में बनाया था तब उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है क्योंकि अब हमको पता है कि वो कैसा दिखना चाहिए या कैसा दिखने वाला है तो वास्तुकार का काफी काम है क्योंकि वो मन से सोच के पहले से चीज बनने के पहले सोच के अंदाज लगा सकता है और क्योंकि उसने ऐसा कई जगहों पे किया है कई लोगों की मदद की है जैसे मैंने कम से कम आठ दस आ, कंपनियों को काफी लंबे समय तक अलग अलग चीजों में मदद करवाई है और आठ दस भी असल में काफी हैं क्योंकि एक एक कंपनी के साथ जुड़ने के बाद अच्छा खासा समय लगता है उनका समझने में कि पहले चल क्या रहा है और फिर उसके बाद धीरे धीरे मदद होनी चालू होती है और मैं संस्कृत और योग शिक्षक भी हूँ पथ प्रदर्शक हूँ जो आज कोशिश कर रहा हूँ किसी कुछ आप में से कुछ आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि प्रस्तुति कैसे की जाए जीवन शैली का भी मार्गदर्शक हूँ कभी कभी लोगों को आवश्यकता पड़ती है कि मुझे तो आसपास कई लोग मिल जाते हैं जो जीवन कैसे जिया जाए उसमें ही उनको काफ थोड़ी बहुत मदद की जरूरत होती है तो वो भी मेरा एक रुचि है जो मैं लोगों को सिखाता हूँ जिसको भी उत्सुकता है ऐसा नहीं है कि मुझे पकड़ के किसी को सिखाना है पर जब कोई उत्सुक होता है तो अपने आप प्रश्न उठते हैं और फिर उसके उत्तर मिलते हैं और एक चीज़ मैं ज़रूर अभी कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को जब भी कोई बीच में प्रश्न हो किसी भी चीज़ को लेके चाहे वो अभी जो भी मैंने बताया उन चीज़ों को लेके और आज हम जो सीख रहे हैं उस के ऊपर जब भी कोई प्रश्न हो आप पूछ लीजिए आप मुझे रोक के पूछ सकते हैं आप यदि लिखना चाहते हैं यहाँ एक चैट का शायद है तो वहाँ पे भी लिख सकते हैं और यदि आप बोल सकते हैं तो सबसे अच्छा है वो ज़्यादा आसान मुझे ज़्यादा आसान लगता है यदि आप बोल के बात करेंगे तो बीच में कहीं पे भी प्रश्न हो तो आराम से पूछिए कोई उसमें मुश्किल नहीं है मैं आपको प्रश्न पूछने से नहीं रोकूँगा फिर जैसा प्रश्न होगा उसके हिसाब से हम देखेंगे उसको कब और कैसे उत्तर दिया जा सकता है पर प्रश्न ज़रूर पूछिए क्योंकि जब पूछेंगे तब समझेगा और आशा है कि मुझे आशा है कि आप समझ पाएंगे तो अभी शुरू करते हैं मुझे बचपन का एक आ, मेरा भाषण याद आता है मैं अपने स्कूल में अपने विद्यालय में कई सारी प्रतियोगिताएं होती थी वाद विवाद होते थे कविता और हर किसी के विद्यालय में होते हैं कुछ ना कुछ प्रतियोगिताएं। तो मैं शायद छठवीं या आठवीं कक्षा में था उस समय बारह चौदह पंद्रह साल का होगा मेरे ख्याल से अः नहीं कम कमी होगा तो अब ये एक वाद विवाद प्रतियोगिता थी जिसमें एक राजनीतिक विषय था जिस जिसके ऊपर मुझे संवाद करना था तो पहले मेरा अवसर आया जो विषय था मैं अच्छे से काफी अच्छे से तैयारी करके गया था एक एक छोटा सा कागज का पुर्जा पुर्जा भी था जो मैंने अपने जेब में रखा हुआ था कि बीच बीच में थोड़े बहुत उसमें अलग अलग जिन जिन चीजों पे मुझे बात करनी है वो छोटे मोटे कुछ कुछ बातें वहाँ पे लिखी हुई थी कि उनको देख देख के भी जरूरत पड़ी तो देख लेंगे पर वैसे जरूरत नहीं है तो वो जेब में रखा हुआ था अब यहाँ पे जैसे आपको यहाँ तस्वीर में भी दिख रहा है तो मैं मंच पे पहुँचा छोटा सा था शायद मेरे ख्याल से बारह तेरह साल के आस पास होंगे अभी के हिसाब से तो छोटा ही कहूंगा तो आप में से भी शायद कोई इस चीज़ को सोच पाएगी आपने अपने स्कूल में विद्यालय में कि कई चीज़ों में भाग लिया होगा तो मैं जैसे ही मंच पे पहुंचा तो मुझे सामने इतने सारे लगभग तीन चार सौ जितने भी लोग थे स्कूल में उस समय बहुत सारे लोग सब जमा होते थे उस ऐसे प्रतियोगिताओं के समय तो सब लोग नज़र आए अचानक से तीन सौ चार सौ लोग तो अब और बिल्कुल चुप सब मुझे सुनने के लिए बैठे तो अब मुझे अचानक से इन सबको देख के लगा कि बाप रे अब क्या तो वैसे मैं इन प्रतियोगिताओं में पहले भी कई बार आया था पर हर समय एक अलग अलग अनुभव होता है तो उस पल जो है उस क्षण में जब मंच पे था तो मुझे अचानक से सब भूल गया कि अब क्या करना है तो फिर मैंने उस समय खैर किसी ने मुझे सिखाया नहीं था कि ये चीज कैसे संभाली जाती है कि आप यदि मंच पे हैं काफ़ी सारे लोग सामने हैं तो क्या करो मतलब क्या करो मतलब क्या होता है कि जैसे अभी मैंने बताया कि जैसे खूब सारे लोग दिखे तो आपको ये पहले नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है मन में कई बार थोड़ा सा डर होता है कि क्या होगा कैसे होगा इतने सारे लोगों के सामने और शायद हर कोई जो जो भी आप लोग में से अभी सुन रहे हैं हर कोई थोड़ा थोड़ा समझ सकता है कि ये अनुभव क्या है तो मैं सब भूल गया और उस समय मुझे नहीं समझता था कि क्या करना चाहिए तो अब फिर मैंने पाँच दस सेकंड वो जो अनुभव हो रहा था मैं रुका माइक था मेरे सामने यहाँ पे माइक था मुंह के सामने मैं रुका रहा तो पाँच छह सेकंड और उसके बाद मैंने अपना वो जो कागज़ रखा हुआ था मेरे जेब में उसको निकाला और उसको एक सेकेंड एक दो सेकेंड देखा कि कहाँ से क्या चालू करना है और फिर मैंने बोलना चालू किया और उसके बाद पूरा का पूरा जो मैंने अच्छे से तैयार किया था फिर आराम से बोला फिर कागज़ की ज़रूरत नहीं ज़्यादा पड़ी पर फिर आराम से बोला लगभग पाँच छः मिनट का था वो संभाषण फिर मैं अपनी जगह पे वापस जाके बैठा ये बोलने के बाद मजा आया खूब तालियां बजी हो गया इसके बाद मेरे जो मेरी एक प्रतिवादी थी जो जो हमारा विषय था उसके उल्टी तरफ से बोलने वाली थी तो मैं एक तरफ था दूसरी तरफ वो थी तो वो आई उसने भी अपना अच्छे से बोला चार पाँच मिनट और इसके बाद थोड़ा सा और समय मिलता है एक दो मिनट का समय फिर से मिलता है कि अब यदि दूसरे ने क्या बोला उसके ऊपर वापस आप टिप्पणी कर सकते हैं उसके ऊपर आप कुछ प्रश्न पूछे गए तो जवाब दे सकते हैं या खुद प्रश्न कर सकते हैं तो मैं फिर से अभी मंच पर गया तो इस बार मैंने उसने जो जो बोला था उसके ऊपर थोड़े थोड़े बिंदु दो तीन मैंने लिख लिए थे कि इन चीज़ों पर मुझे बात करनी है तो इस बार मैं जब गया तो मैं आराम से मैंने वो प्रश्न पूछे और वापिस आ गया तो अब इस वाद विवाद प्रतियोगिता के अंत में जब हुआ पूरा का पूरा तो मुझे और वो जो दूसरी लड़की भी थी हम दोनों को प्रथम पुरस्कार मिला शुरू के जो दो होते हैं बढ़िया रहा पर अभी मुझे वो अनुभव याद आता है क्योंकि हम आज बात इसी चीज़ के ऊपर कर रहे हैं कि हमने कोई किसी चीज़ के बारे में हम जानते हैं लेकिन अब हम उसको जब दूसरों के सामने प्रस्तुत करने आते हैं तो मन में दूसरी तरह के भी कई सारे भय छोटे मोटे होते हैं हो सकते हैं मैं हमेशा ऐसा नहीं कहता कि हर किसी के मन में होते हैं पर संभव है किसी किसी के मन में आते हैं कि इतने सारे लोग रहेंगे या कई बार दो तीन लोग भी रहेंगे तो भी उनके सामने हिचक हो सकती है पर ज्यादा लोग जब होते हैं तब तो ज्यादातर लोगों को हो जाती है तो इसीलिए अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब ये इसका करें क्या क्योंकि यदि आपने सुना होगा अ, शायद कुछ लोगों को पता होगा वैसे ये हर साल बदलता रहता है धीरे धीरे ये चीजें बदलती रहती हैं विश्व में सबसे बड़ा जो भय है लोगों का उस वो है लोगों के सामने बोलना और ये सबसे बड़े मतलब ये क्योंकि बदलते रहते हैं इसलिए जब आप यदि कोई सर्वे को देखेंगे तो उस, उसमें पता चलता है कि वो हर साल कभी मृत्यु का भय हो जाता है कभी लोगों को किसी और पानी का भय रहता है पर लोगों के सामने बोलना खूब सारे लोगों के सामने बातें करना या बोलना ये ज्यादातर लोगों का लेकिन ये पश्चिमी देशों में ज्यादा होता है अब हम इस पे भी बात कर सकते हैं कि ये पश्चिम में क्यों ज्यादा होता है क्योंकि हमारे देश में या पूर्वी सभ्यताओं में आपको अपने श्रुति और स्मृति के बारे में सुना है हमारे संस्कृति में खासकर भारतीय संस्कृति में श्रुति मतलब सुनना और स्मृति मतलब याद रखना तो इसके हिसाब से जैसे पुराने ऋषि मुनि भी जो होते थे आज भी होते हैं आज भी ये बहुत चलता है तो लोग लिख के या बहुत सारा ऐसे याद करके किसी को कुछ नहीं बताते श्रुति का मतलब है लोग सुनते हैं और वो उनके मन में अपने आप बातें जो समझ में आती हैं वो रह जाती हैं और फिर बाद में क्योंकि श्रुति के अनुसार ही लोगों को बोलना है मतलब जो सुनाई में आया उसको आपने जो समझ में आया वो याद हो गया और फिर अब हम बोल रहे हैं दूसरों को तो क्योंकि आपको समझ में आ चुका है इसलिए आपको अब दूसरों को समझाने में कोई बहुत ज़्यादा भय लगने की आवश्यकता है नहीं पर पश्चिमी देशों में थोड़ा ये कम होता है वहाँ पे आ, मतलब किसी भी चीज़ को बहुत ही फिक्स तरीके से लिख के देखना या करके देखना वो उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं तो अब वो उसमें इतना ज्यादा ध्यान देते हैं कि फिर उनको बाकी लोगों के होने का और उस उसके भय संभव है होना हमारे यहाँ उतना जरूरी नहीं है पर ये एक मनुष्य का जो है आम भय है कि औरों के सामने कैसे बोलना या एक चुनौती जैसी लगती है तो मैं पता करके देखता हूँ चलिए आप में से मुझे कुछ लोग बताइए कि आप में से किसी को ऐसा है कोई भय लोगों के सामने बोलने का और नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि मैं तो वही चाहता हूँ मैं कोशिश भी वही कर रहा हूं कि कोई भय ना रहे गुड मॉर्निंग सर सर मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगा मतलब भय नहीं है पर जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था जैसे आपके साथ हुआ था बचपन में कि पांच छह सेकंड के लिए आप थोड़े नर्वस हो गए थे और उसके बाद तो सर फिर फ्लो में आके बोल ही देते हैं हाँ एक बार समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे तो फिर हो जाता है और अब ये भी है कि इसका उस समय के बाद से उस समय तो मैं छोटा था पर उस समय के बाद से आज तक के बीच शायद मैं हजार दो हजार से भी ज्यादा बार अब खूब सारे लोगों के सामने बोल चुका हूँ तो अब इतना अभ्यास हो गया है कि अब मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता मतलब कम से कम ये भय तो नहीं लगता कि बहुत सारे लोग हैं तो क्या बोलेंगे या कैसे बोलेंगे वो वाला भय नहीं लगता पर फिर भी ज्यादातर लोगों को भय इसलिए भी हो सकता है या वो जो शुरू की एक, एक मिनट का या दो मिनट का वो शुरू का एक समय होता है कि आपकी उस समय तैयारी कितनी है तैयारी या उसको हम कह सकते हैं कि आपकी जानकारी कितनी है तो मान लीजिए कोई ऐसा विषय है जिसको मैं अच्छे से जानता हूँ तो मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं अपने खुद के अनुभव से जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो मैंने तैयारी भी की है, लेकिन क्योंकि मेरी जानकारी भी है मैं इन चीजों को बहुत सारे लोगों को वैसे भी सिखाता हूँ और मेरा खुद का अनुभव है तो जानकारी भी है तैयारी भी है इसलिए मुझे भय कम लगेगा यदि आपको दोनों में से कोई भी एक चीज कम है या तो जानकारी कम है कोई ऐसा विषय है जो आप कम जानते हैं लेकिन फिर भी उस बारे में किसी से कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं हैं तो तो होना स्वाभाविक है तो ये दोनों चीजें आवश्यक हैं कि आप हम कितना उसका जानकारी रखें कितनी फिर जानकारी एक बार हो तो फिर तैयारी करनी पड़ेगी और तैयारी का मतलब है अभ्यास तो जितना हो संभव हो घर में करें चाहे आप मित्रों के साथ करें चाहे आस पड़ोस में करें चाहे जिसके भी साथ करें पर अभ्यास का मतलब है कि आप यदि बोलना चाहते हैं तो किसी और को बोल के दिखाएं आप यदि कुछ प्रेजेंटेशन जैसे आज मैं आपको कुछ कुछ तस्वीरों के साथ मिलके ये आ, मैंने बनाया है जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ इस तरह का बनाना चाहते हैं तो इस इसको भी करके देखना होगा तो मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर है तो फिर आप कुछ कुछ चीज़ें खुद से कर सकते हैं नहीं है तो ये इतना बड़ा समूह है कृषि विश्वविद्यालय ने बढ़िया आ, काम किया है सब लोगों को साथ में मिला के लेके आए हैं तो इनमें से कुछ लोग होंगे जिनके पास कंप्यूटर होगा कुछ होंगे शायद हो सकता है ना भी हो तो इस समूह में किसी ना किसी से आप बिल्कुल मदद ले सकते हैं और कुछ भी मुश्किल हो तो मुझसे मदद ले सकते हैं मुझे बस पता हो कि किसी को आवश्यकता है इस तरह के काम की तो मैं समय निकाल लूंगा कैसे मदद की जाए तो सबसे बड़ा इसका उपाय यही है कि हम सॉरी हमारी हेलो अपना, अपना माइक बंद कर लीजिए प्रश्न है हां जर्नल जी आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने हिंदी में रिक्वेस्ट ये लेक्चर तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुने सर को और सीखें जितना सीख सकते हैं उतना सीखें ठीक है धन्यवाद तो आप लोग अपने माइक को म्यूट रख सकते हैं यदि कोई प्रश्न है तो जरूर पूछ लीजिए कोई मुश्किल नहीं है आगे। ठीक है हेलो हेलो सर हाँ बोलिए uh, हाँ सर स्वर्णलाल बोल रहा हूँ मैं अभी आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है थोड़ा पास आइए माइक के हेलो हाँ अभी ठीक आ रही है हाँ जी जी सर यही जो आप बात कर रहे हैं यही मैं अपनी भी थोड़े कर रहा हूँ क्योंकि क्यों मैं भी पहले जब Uh, कहीं भी बोलता था चाहे छोटी स्टेज हो चाहे दूसरा किसी के साथ भी बात करने में बहुत था, 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 डर लगता था, कांपने लगता कांपने ऐसे पता नहीं क्या बोल क्या बोल बोल जाऊंगा, जाऊंगा, तो बिल्कुल आपने जैसे कहा वैसे ही फिर मुझे किसी ने बोला कि आप अभ्यास करो ऐसे का, तो फिर मैं आस्ता आस्ता अभ्यास करता गया और आज मैं कि, कि, किसी भी स्टेज पे किसी भी Uh, कैमरे के सामने या कब वो मैं बोल सकता हूँ ये सिर्फ अभ्यास की वजह से जितना अभ्यास करोगे उतना ही आप सक्सेस हो हाँ, सर आपका नाम मुझे आपका नाम नहीं आ, जी जी स्वर्ण लाल है जी कि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पे अभी यहाँ कर रहा हूँ मैं ये स्वर्... स्टार्टअप स्वर्ण लाल स्वर्ण लाल जी स्वरलाल या स्वर्णलाल स्वर्णलाल S W A R N स्वर्णलाल अच्छा अच्छा एक से जी हाँ। जी 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 मैं लिख थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ इसको जी स्वर्णलाल है ना ये ठीक है जी जी क्योंकि मैं भी एक छोटे से गांव से हमको तो बहुत पहले मैं बोलने से डरता था क्या कर... हाँ हाँ <laughs> तो आज हम वही सीखेंगे आप चिंता मत कीजिए आप तो सीख गए लेकिन हो सकता है कई लोगों को आवश्यकता हो और अच्छी बात है कि आपने अपना बताया कि आप खुद भी पहले थोड़ा मुश्किल आपको लगती थी और अब आप, आप करने लगे तो और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी आप आपसे और भी और लोग सीख सकते हैं क्योंकि आप जम्मू एरिया में ही हैं तो आप वहीं आसपास पास लोगों को उपलब्ध भी हो सकते हैं और वैसे तो मैं भी उपलब्ध हो जाऊंगा किसी को भी आवश्यकता हो तो तो अभ्यास एक चीज है जी जी तो वो तो होगा जानकारी सबसे पहले जमा करनी जरूरी है कि हम कैसे पता लगाएं कि जिस भी चीज पे हम बात करना चाहते हैं जैसे हम उदाहरण लेंगे कि हमको आपके आप जो बिजनेस करना की कोशिश कर रहे हैं जो भी व्यवसाय करने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में आप किसी को बताना चाहते हैं तो अब जो आप कर रहे हैं मान लीजिए आप खाद के ऊपर काम कर रहे हैं जैविक खाद जी जी तो प्राकृतिक तरीके से बनी हुई खाद जिस जिसमें रसायनों का उपयोग केमिकल्स जो पुराने मतलब काफी जगहों पे उपयोग होते थे या हो अभी होते हैं मैं नहीं बोलना चाहता पर बोलना पड़ता है क्योंकि अभी भी धीरे धीरे वो कम करने के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जैविक तरीके से काम किया जाए जिससे कि जमीन जो है भूमि जो है वो खराब ना हो क्योंकि केमिकल्स जो है जमीन की पावर को या उसकी शक्ति को कम करने लगते हैं धीरे धीरे तो मान लीजिए आप इस पे काम कर रहे हैं तो अब इसके ऊपर पहले सबसे पहले जानकारी जमा करना तो यदि आपने खुद काम किया है तो आपको जानकारी तो होगी ही क्योंकि आप खुद ही उस चीज के ऊपर जैविक खाद के ऊपर काम कर रहे हैं लेकिन मान लीजिए आपने खुद काम नहीं किया तो फिर दो तो चार लोग पता लगाइए जो कर रहे हैं काम या जिन्होंने किया है उनसे बातें करने की कोशिश करना कि ये कैसे बनती है कितना समय लगता है कहाँ कैसे उसको रखना पड़ता है कैसे उसको जमा किया जाता है तो जैसे जैसे, जैसे जानकारी जमा करेंगे तो आपका ये पार्ट तो हो जाएगा कि चलो ठीक है अभी समझ में तो आ गया कि इस काम में होता क्या है अब उसमें से निकालना पड़ेगा कि अब इनमें से आप के खुद के व्यवसाय में क्या क्या काम मतलब उनमें से क्या क्या आप सही में अभी भी उपयोग करते हैं तो वो चीज़ों की आपने लिस्ट बना ली एक पूरी सूची तैयार कर ली कि ये 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 जो है ये इन बा इन चीज़ों के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ तो अभी हम एक पूरे प्रक्रिया पे आएंगे जिसमें हम ये सीखेंगे कि किस क्रम में हमको ये सब चीजें जमा करनी है जैसे जानकारी एक बहुत आवश्यक चीज है अभ्यास आखिरी में होगा मतलब जब आपके पास जानकारी है और उस जानकारी की मदद मतलब से हमने एक तैयारी कर ली कि क्या क्या किस तरह से हमको जमा बताना है पहले ये बताएंगे फिर दूसरे नंबर पे ये बताएंगे तीसरे नंबर पे ये बताएंगे ऐसी कुछ चीजें आपने लिख ली या कहीं पे लिखना ही वैसे सबसे आसान होता है और अभी भी मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कुछ कागज और पेन लेके बैठे नहीं है तो मैं आपको बीच में दो एक मिनट देता हूँ आप उठा लीजिए कहीं ना कहीं से क्योंकि बहुत आवश्यक है अभी हम आगे जो थोड़े देर में सीखने वाले हैं पांच दस मिनट में उसमें आप लिखेंगे तो काम आएगा क्योंकि वो हमेशा काम में आने वाली चीजें हैं ठीक है तो एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूँ कि कभी जैसे लोगों के सामने अचानक से पहुंच गए और डर लगा तो वो जो शुरू वाला एक डर है तो उसका एक थोड़ा आसान सा उपाय है कई आ, दुनिया के बहुत सारे लोग उसका उपयोग करते हैं कि अभी आप यदि मुझे देख पा रहे हैं तो सबसे पहले तो कहते हैं कि अपनी जो सांसें हैं उनको लंबी रखिए तो यदि आप आ, कहीं भी बोलने जाने के पहले प्राणायाम कर लें दो मिनट का प्राणायाम भी कर लेंगे प्राणायाम शायद आप में से कई को आता भी होगा और बहुत सारे तरह के प्राणायाम होते हैं अनुलोम विलोम होता है कपाल भाती होता है भस्त्रिका होता है कोई भी आप कर सकते हैं कुल मिला के आपकी जो सांसों की गति है जिस गति से हमारी श्वास चल रही है उसको हमको धीरे करना है तो जो भय है वो अपने आप शांत हो जाते हैं और दूसरी चीज है पानी तो ये मेरी पानी की बोतल है मैं अभी आपके सामने आपको पीके दिखा रहा हूँ जानबूझ के पीके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझे कि पानी जो है हमारे शरीर के लिए वैसे भी आवश्यक है और पानी हमारे शरीर के तापमान को भी सही रखता है और ऐसे समय में जब भी आपको कोई भय वाले आ, माहौल कहीं से बन जाते हैं ज़रूरी नहीं कि वो असली का भय हो कि कहीं कुछ सही में आ, कोई भूकंप आ रहा है या वो ऐसी कोई बात नहीं है पर आप जस्ट सिर्फ कुछ लोगों के सामने और आपको भय लगने वाला है आपको ऐसा लगता है तो सांसों की गति कम कीजिए प्राणायाम करके तो उसको भी मैं यहां पे एक जगह पे लिख देता हूं। पर इसको हम बाद में भी लिखेंगे तो आपको खुद भी उसको नोट करने का मौका मिल जाएगा प्राणायाम जिससे सांस की गति ठीक होगी धीरे होगी और दूसरा है पानी तो ये दो चीजें भाषण जब भी आपको भाषण देना है या किसी से भी बात करनी है ये उसके पांच मिनट दस मिनट आप पहले कर लीजिए और पानी तो वैसे ऐसी चीज है कि आप साथ में भी रख सकते हैं छोटा सा बोतल साथ में रख सकते हैं कभी भी ले सकते हैं बोलते समय भी ले सकते हैं बोलने के पहले ले लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है तो ये दोनों चीजें बहुत काम की हैं. और ये शरीर के ऊपर काम करती है तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आप अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डर ना लगे आप यदि पानी पी लेंगे और प्राणायाम करेंगे तो कोई भी तरह का जो आ, मन को थोड़ा भी विचलित करने वाली चीजें हो सकती हैं कहीं भी वो अपने आप शांत होती हैं ये शरीर अपने आप करता है तो इसमें आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आप ये दोनों चीजें करेंगे तो वो होगा ही मन शांत अपने आप होगा ठीक है और क्योंकि मैं योग शिक्षक भी हूँ तो ये तो मेरे मैं हर दिन करता भी हूँ और लोगों को इसलिए मैं सिखा पाता हूँ ये चीज ठीक है तो अब ये चीज तो हो गई हमारी तैयारी थोड़ी थोड़ी किस तरह से हो रही है और तो ये चीजें ध्यान में रखने की आपकी यदि तैयारी भी हो गई अब आप अभ्यास भी करने लगे आपने किसी मित्र को बुलाया या आपने किसी परिवार वाले को बोला कि चलो अब मैं कुछ आपको आ, बोल के बताने वाला हूँ या दिखाने वाला हूँ मान लीजिए इस तरह का कुछ प्रेजेंटेशन भी है यदि कंप्यूटर पे तो दिखाऊंगा और मैं आपके सामने वो प्रैक्टिस कर, अभ्यास करना चाहता हूँ तो बताओ कि कैसा लग रहा है तो अब आपने वो अभ्यास भी कर लिया लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जिस दिन वो करना है उस दिन ही काम आने वाली है जैसे ये प्राणायाम और पानी तो इनको भी आप बाकी समय भी अपने जीवन में उतार लीजिए कि जब भी बोलने का समय आने वाला है या पता है कि थोड़े देर में बोलना है तो पानी पी लिया दो मिनट एक मिनट जितना भी संभव हो प्राणायाम किसी भी तरह का जो भी समझ में आता है वो कर लीजिए यदि नहीं आता तो आप मुझे मुझे पूछ सकते हैं बाद में मैं आपको प्राणायाम भी सिखा दूंगा तो ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि सीखना काम का है और आज हमारे पास क्योंकि दो घंटे हैं और यदि आप में से कुछ लोग कहें कि हमको नहीं आता तो मैं सही में अभी लाइव बाद में थोड़ी देर में जब हम पूरा एक क्रम से सब सीखेंगे तब मैं वो भी सिखा दूंगा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है तो चलिए अब एक बहुत सोचने वाली चीज है कि हम लोगों को जो भी कहते हैं जो भी शब्द मैंने कहे आपको या जो मैंने आपके सामने किया इन चीजों को शायद आप भूल भी जाएंगे और ये आम विश्व में हर किसी के साथ होता है तो ये कोई आपकी कोई कमी नहीं बता रहा हूं मैं ये किसी के भी साथ होता है कि जो मैंने आपको कहा या जो मैंने आपके सामने किया वो आप जरूर भूल सकते हैं लेकिन जो मैंने आपको अनुभव कराया जो आपने अपने अंदर अनुभव किया मेरी बातें सुनने के बाद या मेरे शब्द सुनने के बाद या, या मेरे कुछ करने के कारण जो आपने अपने अंदर अनुभव किया वो आप कभी नहीं बोलेंगे तो ये एक ध्यान देने वाली चीज है कि जब हम किसी को कुछ बताना चाह रहे हैं तो हम अपने हिसाब से बता रहे हैं वो एक ठीक है वो बताएंगे बता सकते हैं पर हमको कोशिश करना है कि उसमें ऐसी चीजें हम कहाँ कहाँ पे जोड़ सकें जिससे हम जिसको बता रहे हैं उसको कुछ अनुभव हो कुछ उसको कुछ फ़र्क पड़े जैसे अभी आपको ये मैं हूँ ये हमारे घर के पास में एक जगह है थोड़ी आसपास हरियाली भी नज़र आ रही है बढ़िया सी कुछ बिल्डिंगें बन रही हैं तो मैंने वहाँ पे फोटो खींची थी तो अभी आपको ये तस्वीरें देख के ये बच्चों की मुस्कुराती तस्वीरें देख के क्या लगता है कोई भी बता सकता है मुझे जो भी बोलना चाहे सर यही लग रहा है कि बच्चे पूरे खुश हैं एंजॉय कर रहे हैं हाँ बच्चे भी खुश हैं मेरा भी आपको मुस्कुराता चेहरा नजर आ रहा है और जी सर यहाँ पे आपको मेरा एक शांत चेहरा भी नजर आ रहा है तो इससे आपके अंदर कुछ होता है जी सर सामने खुशी देख के हमारे फेस पे भी हल्की सी स्माइल आ जाती है अपने आप आती है तो यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस इन तस्वीरों के माध्यम से कि जब हम ऐसा कुछ करें जिससे सामने वाले को कुछ अनुभव हो अंदर उनके अंदर तो और उसका सबसे बड़ा माध्यम है कथा कहानी कोई भी कहानी यदि आप अच्छे से जो या तो आपके साथ हुई है वो कहानी या फिर किसी और की कहानी भी हो सकती है लेकिन क्योंकि आपको अच्छे से पता है तो जैसे हमारे यहाँ पे रामायण महाभारत और और भी कई सारी कहानियां हैं इनमें ही इतनी हजारों कहानियां मिल जाती हैं कि इनके अंदर से हम बहुत सारी कहानियों को अपने जीवन में या मित्रों को बताने के समय उपयोग कर लेते हैं तो कहानियों का कहाँ से मिलेंगी कहानी वो तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी कहानियां खुद की भी हो सकती हैं किसी और की भी हो सकती हैं किसी किताब की भी हो सकती हैं लेकिन अब हम उसको बता कैसे रहे हैं, या उससे किसी के लिए हम अनुभव यदि बना के दे रहे हैं तो यदि मैंने बोला कि रामजी वनवास चले गए तो अब इससे कितना फर्क पड़ा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है लेकिन यदि आपने कहा कि विश्वामित्र आए और उन्होंने दशरथ से मांगा कि आप राम लक्ष्मण को हमारे साथ कुछ समय के लिए भेज सकते हैं क्या क्योंकि हमको आ, कई सारे राक्षस हैं जो परेशान करते रहते हैं और हम आ, मुझे पता है कि राम लक्ष्मण जो है हमारी मदद कर सकते हैं तो हमको मदद चाहिए कुछ समय के लिए तो कुछ दिनों के लिए मैं उनको ले जाना चाहता हूं अपने साथ तो अब दशरथ परेशान हो गए फिर उन्होंने बहुत ही दुखी हो गए लेकिन तब फिर अंततः राम जी को जाने का मतलब और लोगों ने मिलके जो व्यास थे उन्होंने भी और विश्वामित्र ने खुद भी कहा कि अब जाने दो तो उनके लिए भी अच्छा होगा तो जब अंततः वो जाने के लिए तैयार हो गए तब दशरथ दुखी तो काफी हुए पर फिर भी उन्होंने जाने दिया उनका राम के प्रति प्रेम भी बहुत ज्यादा था और सब लोग उनको बिल्कुल नगर के द्वार तक छोड़ के आए तो अब मैं ये जब आपको कहानी थोड़ी थोड़ी बता रहा हूं कि किसके साथ क्या हुआ तो क्योंकि मैं उनके भाव आपको बता पा रहा हूँ थोड़े बहुत हो सकता है मैं इसी कहानी को और भी अच्छे से बता सकूं अभी मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम किसी के भाव या अपने भाव दूसरे को बता पाए या उनके बारे में हम बात कर पाए तो आपको वो कहानी अंदर अनुभव होगी क्योंकि भाव ऐसी चीज है जो आपके अंदर भी आती है मेरे अंदर भी आती है हर किसी के अंदर आती है तो अनुभव करने और करवाने का जो काम है ये बहुत आवश्यक है जब भी हम अपनी बात किसी और को बताने की कोशिश कर रहे हैं अब उसका ये मतलब नहीं है कि हम पूरे समय रोते रहें क्योंकि रोना भी एक अनुभव तो है माना लेकिन ऐसा अनुभव हो जो भले ही उसमें थोड़ा बहुत रोना धोना यदि है तो आप बता सकते हैं उस बारे में लेकिन वो कुछ प्रेरणादायक यदि बने बाद में अंत में उसमें कहीं ना कहीं खुशी आ रही है या प्रेरणा मिल रही है कि कोई बड़ा काम करने की प्रेरणा मिल रही है तो उसका फायदा ज्यादा होता है उसका असर और भी ज्यादा हो जाता है लोगों पे ठीक है तो अनुभव कराना एक बहुत छोटी सी चीज है समझने के लिए पर ध्यान रखने की चीज है कि हम जब भी हम किसी के लिए कुछ किसी को कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं चाहे वो एक पन्ने का हो चाहे वो पांच पन्नों का हो चाहे वो दस पन्नों का हो पर कुछ ना कुछ उसमें कहानी हम जोड़ सकें ठीक है तो अब हम अंततः ये इसमें जानना समझना जरूरी है कि हमको विश्वास होना ज़रूरी है और तभी हम अभ्यास कर पाएंगे तो जो चीज़ हम खुद करते हैं या खुद कर रहे हैं उसमें तो हम विश्वास कर ही सकते हैं और दूसरा तरीका है जो अभी हमने देखा कि जानकारी यदि हम अच्छे से जमा कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में हमको नहीं भी पता है तो हम उसके बारे में पहले जानकारी अच्छे से जमा कर रहे हैं अभ्यास कर रहे हैं अब ये अभ्यास का एक थोड़ा कठिन तरीका है कि आप लाउड स्पीकर लेके कहीं खड़े हो गए बताने लगी अपनी बात दस लोगों को पर यह सिर्फ इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया ताकि अभ्यास का महत्व समझ सके और कुछ नहीं है आप अपनी तरह से अभ्यास कर सकते हैं लोग मित्रों के बीच या परिवार के बीच तो आपको यदि जानकारी जमा हो गई तो विश्वास बिल्कुल अ, अपने अंदर जमा होगा और दूसरा है तैयारी तो जानकारी और फिर तैयारी और फिर तैयारी के साथ अभ्यास तो ये तीनों चीजें बिल्कुल आवश्यक हैं तो अब हम प्रक्रिया को सीखते हैं तो अभी यदि आप लोग कागज और पेन लेके बैठे हैं पेन पेंसिल कुछ भी तो अब हम प्रक्रिया को सीखते हैं कि क्या क्या करना चाहिए तो अभी हमने कुछ कुछ चीजों की बातें की शायद आपने उन चीजों को भी लिखा होगा अब हम एक बिल्कुल एक बिल्कुल ठोस प्रक्रिया क्रमवार क्रम में सीखते हैं तो सबसे पहले जब आप कुछ योजना बना रहे हैं कि मुझे कोई सज्जन है या कोई महिला है जिनके सामने आपको या हो सकता है बहुत सारे लोग हों दस पंद्रह लोग हों पचास लोग हों सौ लोग हों जिनके सामने आपको जाके अपने बिजनेस के बारे में आपके व्यवसाय के बारे में आपकी खेती के बारे में या आपने कुछ पता लगाया है कुछ नया ढूंढ के निकाला है अपने आ, आ, काम के बारे में तो वो उस बारे में आप बताना चाहते हैं ठीक है तो सबसे पहले अब आपको बैठ के अपने उद्देश्य के बारे में समझना होगा कि आपका प्रयोजन क्या है इस चीज के बारे में तो उद्देश्य कई तरह के हो सकते हैं मैं थोड़े से आपको उदाहरण भी देंगे देता हूँ जैसे आप चाहते हैं लोगों को आपके बोलने से प्रेरणा मिले ठीक है तो अब प्रेरणा एक उद्देश्य हो सकता है जैसे मैं आज जो कोशिश कर रहा हूं तो मेरा उद्देश्य आज का क्या है कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज सिखाना चाहता हूं जो मुझे आशीष जी ने या आपके कृषि विश्वविद्यालय की मदद से मेरे पास आई है कि मुझे इन लोगों को ये चीज़ सीखने में मदद करनी है कि हम प्रस्तुतिकरण कैसे करें प्रेजेंटेशन कैसे करें लोगों के सामने तो आज का मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको सिखा पाऊं कुछ ठीक है तो सिखाना भी एक उद्देश्य हो सकता है प्रेरणा देना एक उद्देश्य हो सकता है मनोरंजन करना एक उद्देश्य हो सकता है कि मान लीजिए आज जैसे कुछ कलाकार होते हैं टीवी पे या फिल्मों में तो उनका उद्देश्य है मनोरंजन करना तो वो भले ही अपनी असली जीवन में वो नहीं है या वैसा नहीं करते पर फिर भी वो मनोरंजन करने के लिए वो कुछ चीजें करते हैं टीवी पे या फिल्मों में या जोकर कोई ले लीजिए कोई सर्कस में जोकर होता है तो वो भी लोगों का मनोरंजन करने के लिए आता है वो कुछ सिखाने के लिए नहीं आ रहा या ना वो प्रेरणा देने के लिए आ रहा है तो आपके उद्देश्य जो है अलग अलग हो सकते हैं एक और उद्देश्य संभव है जानकारी देना कि सिर्फ किसी को कुछ आपको जानकारी देना है और कोई उद्देश्य आप में से कोई बोलना चाहेगा बताना चाहेगा कोई और भी उद्देश्य हो सकता है आपके भाषण का या किसी बात का तो कोई भी और यदि कुछ बोलना चाहे तो मैं दो सेकंड रुकता हूँ आपके बोलने के लिए आप अनम्यूट करके म्यूट से हटा के बोल सकते हैं चलिए तो अभी यदि कोई कुछ नहीं बोल रहा है इसका अर्थ है कि ज्यादातर उद्देश्य जो हो सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और क्योंकि मैंने तैयारी की है तो मुझे पता है कि ये सारे उद्देश्य ज्यादातर होते हैं लोगों के कि कुछ सिखाना है कुछ प्रेरणा देनी है कुछ जानकारी देनी है तो ये सारे उद्देश्य हो सकते हैं अब इनमें से आपका उद्देश्य क्या है ये आपको निर्णय लेना शुरू में जरूरी है तो आप पहले अपने बात का उद्देश्य लिख लीजिएगा तो मैं अपने आज जो मैं कर रहा हूँ उसके हिसाब से भी बीच बीच में आपको बताता जाऊंगा जैसे मेरा आज का उद्देश्य है आपको कुछ नया सिखाना ठीक है तो ये मैंने कर लिया कि अपना उद्देश्य मेरा पक्का हो गया तो सबसे पहले करने वाली चीज है यही उद्देश्य पता लगाना इन चीजों के लिए आप किसी से बात भी कर सकते हैं मतलब आपको यदि खुद समझने में मुश्किल हो रही है तो आप किसी मित्र को लेकर बैठ जाइए कि मैं ऐसा ऐसा बात करना चाहता हूँ तो मुझे ये समझना है कि मैं मेरा उद्देश्य क्या है? क्या है मैं सिखा रहा हूँ या क्या मैं जानकारी दे रहा हूं क्या कर रहा हूं मैं तो मेरा आज का है सिखाना ठीक है अब किसके सामने या किसके लिए हम ये कर रहे हैं अगली चीज है ये ध्यान देने की और इसको भी हम कागज पे अपना नोट कर लेंगे क्यों कर रहे हैं हम ये किसके लिए कर रहे हैं तो उद्देश्य तो हो गया कि हमको सिखाना है तो ये आपके क्यों का उत्तर तो यहां पे मिल गया और क्यों को हम थोड़ा सा और भी बाद में थोड़ा सा और समझेंगे पर किसके लिए कर रहे हैं तो अभी जैसे आज मुझे बताए कि मैं नए व्यवसायी जैसा मुझे पता चला है कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से कि आप लोग नए व्यवसायी हैं जो कुछ नया काम करना चाहते हैं कृषि से जुड़े हुए क्षेत्रों में तो नए व्यवसायियों को अपना जो भी काम है वो दूसरों के सामने कैसे बताना कैसे प्रस्तुत करना कैसे अच्छे से बताना ताकि जो भी आपके पास कोई इन्वेस्टर आ रहा है या कोई पैसा लगाने के लिए आ रहा है या आपको मान लीजिए सरकार से या किसी और से कुछ मदद ही चाहिए या कुछ जानकारी चाहिए तो उसको बताएं कैसे कि आप कर क्या रहे हैं आप कर तो रहे हैं। तो मान लीजिए आप खेती में तो बहुत अच्छे हैं लेकिन उस बारे में बता सकना एक अलग प्रतिभा होती है तो वो प्रतिभा हम किसी में भी बना सकते हैं ऐसा नहीं है कि कि प्रतिभा जन्म से से होती है जैसे मुझे भी हर दिन बचपन थोड़ी ना पता था कि मैं लोगों के सामने बैठ के कैसे या कैसे समझाऊँ लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करके मुझे समझ में आया कोशिश करके ये भी समझना धीरे धीरे अभ्यास से ये भी समझ में आता है कि किस तरह की चीजों को लोग सुन पाते हैं किस तरह की चीजों को लोग नहीं सुन पाते और अभी अब थोड़ा एक चुनौती है जैसे ये ऑनलाइन वाला जो तरीका है आज का ऑनलाइन में ये होता है कि अब यदि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपके अंदर क्या चल रहा है मुझे बहुत आसान नहीं है पता लगाना जब तक आप कुछ बोलेंगे नहीं तब तक ऑनलाइन में पता लगाना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है तो ये एक थोड़ी चुनौती है पर यदि आपके सामने लोग हैं आसपास लोग हैं तो ये पता लगाना थोड़ा ज़्यादा आसान है कि उन पर असर क्या पड़ रहा है तो अब मैंने किसके लिए ये पता लगा लिया कि कौन है जिसके लिए मैं ये करना चाहता हूँ नए व्यवसायी हैं जो सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं आप में से अभी जैसे स्वर्णलाल जी ने बताया कि उन उन्होंने सीख लिया है इस तरह की चीज करना कि अपने व्यवसाय के बारे में दूसरों को कैसे बताना ठीक है तो ये कौन वाली चीज भी हमने समझ ली कि अब इस पहले हमने उद्देश्य समझ लिया फिर किसके लिए हम करना चाह रहे हैं ये समझ लिया अब जो है हमको एक महत्वपूर्ण संदेश जो कि लगभग दस शब्दों के अंदर बताया जा सके ऐसा कोई संदेश हमको अपनी बात से जुड़ा हुआ सोचना पड़ेगा तो जो भी चीज है हम चाहे खेती के बारे में बात कर रहे हैं चाहे हम प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं चाहे हम किसी भी और चीज के बारे में बात कर रहे हैं पर हमको ऐसा कोई संदेश सोचना पड़ेगा जो कम से कम शब्दों में क्योंकि आप दिन भर भी बोल सकते हैं लेकिन बात यदि असर डालने वाली हो तो वो कम शब्द में हो तो बहुत अच्छा होता है बहुत आसान होता है क्योंकि लोगों के पास समय कम होता है बड़ी मुश्किल से तो लोग आपके सामने आके बैठे हैं जो सुनना चाह रहे हैं सुन रहे हैं तो आप कम से कम शब्दों में बोलेंगे तो असर ज्यादा होता है तो आप जैसे आज का मेरा जो संदेश था मैं आपको उसका उदाहरण भी दूंगा जो मैंने आपको बताया था ना कि लोग ये वाला संदेश था मेरा मैं पीछे दिखाता हूँ आपका ये वाला कि आप चाहे कितना ही जो भी आप कहेंगे वो लोग भूल सकते हैं जो आप उनके सामने करेंगे वो भी वो लोग भूल सकते हैं लेकिन जो आप उनको अनुभव करा देंगे अपनी बातों से या कुछ दिखा के वो अनुभव को वो कभी नहीं भूलेंगे तो ये मेरा आज का संदेश था ये मेरा आज का संदेश था तो इसी तरह से आप जब अपना भाषण या अपनी बात के बारे में आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आप योजना बना रहे हैं तो आपको ऐसा कोई संदेश जो आपकी बात से जुड़ा है सोचना चाहिए सोचना पड़ेगा इसके लिए भी आप अकेले भी सोच सकते हैं किसी की मदद भी ले सकते हैं कि मान लो आपको संदेश खुद से सोचने में कठिनाई हो रही है तो आप किसी से पूछ लीजिए मुझसे भी पूछ सकते हैं आपके अभी जैसे ग्रुप बना हुआ है समूह बना हुआ है पंद्रह बीस लोगों का विश्वविद्यालय में भी मदद करने वाले लोग मिल सकते हैं तो किसी के भी साथ मिलके कोई ऐसी बात सोच सकते हैं जो आप का एक छोटा सा संदेश बन जाए तो ऐसा दस शब्दों में संदेश आपको सोचना पड़ेगा कुछ ना कुछ जैसे अभी मैंने आपको आज का मेरे संदेश के बारे में उदाहरण दिया वैसे ही आप अपनी बात के लिए एक कोई भी संदेश सोच सकते हैं तो वो एक जरूरी चीज है तो अब आपने ये चीजें यदि समझ ली कि उद्देश्य समझ में आ गया किसके लिए कर रहे हैं ये समझ में आ गया और एक संदेश आपने सोच लिया तो अब जो है असल भाषण या असल बात जो है अब यहाँ से चालू हो रही है तो शुरू में कहां से शुरू करेंगे कि हम एक हमने एक कहानी अपने बात से जुड़ी हुई सोच के रखी है वो जैसे मैंने आज आपको अपनी कहानी बताई थी मेरे भाषण की कहानी बचपन के भाषण की कहानी तो ऐसी आपकी कोई भी कहानी हो सकती है जैसे अभी हमने और भी बात की थी कि कहानियाँ कहीं से भी हम ले सकते हैं खुद की हो सकती है आपके भाई बहनों की हो सकती है माता पिता की हो सकती है किसी और की हो सकती है आजू बाजू या किसी किताब से ली हुई हो सकती है कहानी कोई भी हो सकती है पर वो कोई ना कोई कहानी से आप शुरुआत करेंगे तो लोगों पे असर पड़ता है अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा भी था कि कहानी की मदद से लोगों को अनुभव जो हम जिस अनुभव की हम बात कर रहे थे ना अनुभव ज्यादा अच्छे से होते हैं आसानी से होते हैं तो आपने आज अभी यदि आप पीछे जाके सोचें तो आपको शायद याद आएगा कि मैं जब अपनी कहानी शुरू कर रहा था तो मैंने आपको एक समय के बारे में बताया कि मुझे ऐसा याद आ रहा है कि जब मैं छोटा था तब ऐसा हुआ तो आप जब कहानी अपनी शुरू करते हैं तो इस तरह से या इससे मिलते जुलते तरीके से शुरू कर सकते हैं कि मुझे ऐसा याद आ रहा है या एक समय मैं जब छोटा था या एक समय ऐसा हुआ किस आमतौर पे इस तरह से आपने किताबों में भी देखा होगा कि कहानियां शुरू होती हैं तो उससे अनुभव लोगों के मन में जागृत होते हैं कि एक बार ऐसा हुआ तो अब लोग जो हैं आप जैसे उस समय में पहुंच गए कि मैं मंच पे पहुंच गया और मेरे सामने इतने सारे बच्चे हैं तो आप भी मेरे साथ वहां पहुंच जाते हैं जब मैं वो कहानी बता रहा होता हूं आप में से कोई बोलना चाहेगा कितने लोग मेरे साथ वहां मंच पे पहुंच गए थे मेरे बचपन में मैं पहुंच गया तो आप देखिए आप क्यों यदि आप मेरे साथ मंच पे पहुंच गए इसका मतलब है कि आप वो कहानी को मेरे साथ अनुभव कर रहे हैं तो इसलिए कहानी बहुत शक्तिशाली माध्यम है आपकी कोई भी बात कहने का तो आपकी जो भी बातें हैं उस से जुड़ी हुई कोई कहानी शुरू में बताना बहुत आसान होता है अच्छा होता है फायदा होता है मतलब वो अपने लिए भी फायदेमंद है और वो जो जिस जो सुन रहा है जो, जो समझने की कोशिश कर रहा है कि आप बोल क्या रहे हैं उसके लिए भी वो फायदेमंद है क्योंकि उसको वो अनुभव हो रहा है ठीक है तो कहानी कोई ना कोई रखिए जरूरी है उसके बाद है कि आपकी जो जानकारी है आपने जो भी पता लगा के रखा है या आपको आपका काम करते ही है तो वो जानकारी तो आपको है पहले से है तो ये कहानी बताने के बाद इस जानकारी को जैसे मैंने आपको बताया था कि दुनिया का कोई ना कोई ऐसा नंबर या कोई ना कोई ऐसा कोई समाचार आया हो या किसी ने बड़ा काम किया है और उसने कोई बात बताई है आपसे आपकी आपके क्षेत्र से जुड़ी हुई तो जैसे मैंने आपको बताया था कि दुनिया के सबसे बड़े भय जो होते हैं लोगों के सामने जाने का भय या लोगों के सामने बोलने का भय ये वाली जानकारी मैंने आपको बताई थी कि एक बड़ा भय होता है लोगों के सामने बोलना वक्तृत्व करना तो ये एक जानकारी मैंने आपको उस समय दी और फिर मैंने उससे बचने के उस उससे आ, उसको छोड़ने के या उसके ऊपर नियंत्रण पाने के भी कुछ तरीके हमने बात की तो ये चीज इसके बाद आएगी आपकी कहानी के बाद तो पहले आपने अपनी कहानी बता दी छोटी सी जो भी कहानी है छोटी बड़ी जो भी होगी आ, उसके बाद हमने अपनी जानकारी के बारे में बताना चालू किया और यहाँ पे जब हमने ये जानकारी की बात की तो यहाँ पे आपका वो संदेश जो आपने ऊपर सोचा था ना दस शब्दों में जो संदेश ये जो संदेश हमने ऊपर सोच के रखा हुआ है तो इस संदेश को आपको उस जानकारी के साथ धीरे धीरे वो संदेश को लेके आना है दस शब्दों वाला अब दस शब्द जो है वो बिल्कुल ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है पर वो दस के आसपास मतलब हम कुल मिला के कहना ये कोशिश कर रहे हैं कि छोटे शब्दों में कम शब्दों में तो आपका मान लीजिए ग्यारह बारह का हो रहा है तो भी कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है दो तीन शब्दों में यदि आप अपना अपनी बात कह पा रहे हैं या संदेश कह पा रहे हैं तो और भी बढ़िया है जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी बोले कि जय जवान जय किसान या सुभाष चंद्र बोस जी बोले कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा तो ये लगभग सात या आठ शब्दों में हो गया पर वो ऐसी चीजें हैं जो हजार बरसों तक लोगों को याद है बरसों तक लोग उनकी बातें करते हैं क्योंकि वो संदेश जो है ऐसा था काम का था लोगों को असर डालने वाला संदेश था तो आपका संदेश आ गया यहाँ पे और फिर इसके बाद यहाँ पे संदेश आ गया आपकी जानकारी हो गई और यही संदेश के साथ जो बात आप अपने आ, काम के बारे में बताना चाहते हैं अब आप उसका विस, आ, विस्तार से बता सकते हैं इस जगह पे अपना संदेश बताने के साथ साथ और उसको फिर हम अंत में अपने विश्वास के साथ जोड़ सकते हैं तो ये तीनों जो हैं एक दो और तीन ये आपकी बात के महत्वपूर्ण पहलू हैं कि सबसे पहले हमने कहानी से शुरुआत की फिर हमने अपनी जो जानकारी है उसको बताने की कोशिश की जैसे मैंने आपको भय के बारे में बताया था वैसे ही आपकी कोई भी जानकारी हो जो आपके एरिया से जो आपके फील्ड से या आपकी काम से जुड़ी हु, हुई है वैसी जानकारी तो जैसे मान लीजिए खेती से जुड़ी हुई जानकारी यदि मैं सोचूंगा तो मैं आपको ये बताना बताने की कोशिश करूंगा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था असल में कि जो जैविक खाद होती है जो रसायन मुक्त खाद होती है उससे जमीन की भूमि की उर्वरा शक्ति जो है उसकी फर्टिलिटी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में उर्वरा शक्ति जमीन की खुद की शक्ति जो है फसलें उगा सकने की या पेड़ पौधे उगा सकने की वो बहुत अच्छी हो जाती है यदि हम जैविक खाद का उपयोग करें एक सेकंड होल्ड कीजिएगा माफ कीजिएगा एक बीच में जरूरी फोन था तो हाँ यहाँ पे हम अंत में अपना जो विश्वास है जो जैसे मैंने आपको बताया कि क्या विश्वास है मेरा कि यदि मैंने आपको चीजें अनुभव करवाई अपनी बात बताते समय यदि मुझे जानकारी अच्छे से है मेरी बात के बारे में यदि मेरी तैयारी अच्छे से है मेरी बात के बारे में तो मेरी बात दूसरों तक या जिसके लिए भी मैं सोच रहा हूँ वो पहुंचेगी पक्का पहुंचेगी तो ये मेरा विश्वास है और ये मेरा विश्वास मैंने आपको दिखाया बोल के बताया तो इस तरह से मेरी जो बात है कहानी जानकारी और विश्वास की मदद से आप तक पहुंची तो अब ये है पूरी प्रक्रिया तो अब देखते हैं आपके यदि कोई प्रश्न है तो मैं पहले प्रश्न लेने की कोशिश करता हूं इस बारे में और फिर हम थोड़ी और भी बातें करेंगे तो बताइए आपका कोई प्रश्न है तो सर uh, हाँ बोलिए अपना नाम भी बोलते जाइए साथ में सर मेरा नाम भाविक जैन है मैं सर मेरा अचार का काम स्टार्ट किया मैंने जम्मू में बहुत बढ़िया नमस्कार भाविक जी नमस्कार सर तो सर मुझे पूछना था कि उद्देश्य से लेकर नीचे विश्वास तक जितना भी आपने किया सर ये एक टाइम लिमिट हो सकती है क्योंकि ये सब हम पहले लिखेंगे एक बारी और इसी के अराउंड हम अपनी प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो एक टाइम लिमिट होती है कि ये जितना आपने लिखाया है क्योंकि आपने बोला कि ज्यादा कम शब्दों में हमें ज्यादा बात करनी है हाँ तो कितना सर एक टाइम आ, कितना हमें अपनी तरफ से तैयारी करके चलनी चाहिए कि हाँ इतनी देर में मेरा एक सब सभी चीजें कवर होनी चाहिए हाँ तो ये बड़ी अच्छी आपने बात पूछी है कि समय को हम कैसे आ, समझें कि कितनी देर हमारे पास है तो इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम किसी से कोई बात कर रहे हैं तो यदि आपके पास 15 मिनट हैं वो बात करने के तो 15 मिनट में आप सिर्फ एक संदेश या एक बात अच्छे से लोगों तक पहुंचा पाएंगे ये एक आम अः ये एक सर्वे के परिणाम है तो मतलब ये दुनिया में बहुत लोगों को मालूम है कि यदि आप एक संदेश देना चाहते हैं तो 15 मिनट उसके लिए काफी हैं। तो आप बहुत सारे संदेश देने की कोशिश मत कीजिए। यदि आपके पास मान लीजिए आधा घंटा है, तो आप दो संदेश तक दे सकते हैं। अब जो संदेश की मैं बात कर रहा हूं, ये ये वाला संदेश है जो आप दस शब्दों वाला दस शब्दों में देने की कोशिश कर रहे हैं बाकी सारी चीजें उसी को सपोर्ट करने के लिए उसी का उसी को संभालने के लिए कि हमारा संदेश सही जगह पे और अच्छे से पहुंचे तो जो कहानी आपने सुनाई या जो आप अनुभव बनाने की या बताने की कोशिश कर रहे हैं वो सब कुछ उस संदेश के लिए है ठीक है तो अब मान लीजिए आपके पास एक घंटा है तो एक घंटे में तीन संदेश अच्छे होते हैं आप चार सोच सकते हैं यदि जरूरी है लेकिन तीन जो है ठीक ठाक नंबर है जी सर ठीक है अब मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास बहुत ही कम समय है कोई मान लीजिए आपसे लिफ्ट में मिला या कोई गाड़ी में मिला आप मुश्किल से पांच मिनट के लिए साथ में हैं या कभी कभी ऐसे किसी बिल्डिंग में होता है लिफ्ट में है तो लिफ्ट में तो पांच मिनट भी नहीं होता मुश्किल से तीस सेकेंड का समय होता है जी सर ऐसे समय में आपको अपना ये वाला जो दस शब्दों का संदेश है वो काम आएगा हम्म तो क्योंकि आपके पास ये सभी चीजों की तैयारी है आपके पास अपना दस शब्दों वाला भी तैयार है आपकी कहानी भी तैयार है जानकारी भी तैयार है तो अब जब जैसी परिस्थिति हो आ, कोई म्यूट पे जाए शायद क्योंकि थोड़ी आवाज आ रही थी ओके okay, हो गया तो जब जैसी परिस्थिति हो आप इनका उपयोग कर सकते हैं तो ये जो दस शब्दों वाला संदेश है ना आपका बहुत काम की चीज है कि जब आपके पास समय कम है तो आप तीस सेकंड के अंदर भी किसी से अपनी बात बता सकते हैं और जब थोड़ा समय ज्यादा है तब फिर आप इस पूरी प्रक्रिया को अच्छे से कर सकते हैं फिर चाहे पंद्रह मिनट है चाहे तीस मिनट है, है तो तो आज आज मैंने मैंने जैसे का का जो मेरा घंटे मेरे पास समय है, समय है, था, तो मैंने यही सोचा था कि पहले मैं आपको करके दिखाऊंगा तो शुरू में मैंने आपको जितनी चीजें दिखाई तो मेरी कहानी मेरी जानकारी और मेरा विश्वास से मैंने आपको एक पूरा उदाहरण दिखाया उसकी भाषण या वो बात मैं आप, आपके सामने कैसे रखूं और फिर अब हम उसी प्रक्रिया को वो उदाहरण देख देख के सीख रहे हैं कि ये प्रक्रिया थी क्या चीज मैंने कैसे किया तो उद्देश्य मुझे समझा कौन है किसके लिए हम कर रहे हैं वो मुझे समझा वो मैंने पता लगाया फिर मैंने एक संदेश तैयार किया तो वो उसके लिए काफी सोचा समझा कैसे करूं क्या करूं फिर एक संदेश तैयार किया और फिर उसके बाद मैंने अपनी पूरी बात जो है एक कागज़ पे आ, मैंने अपनी डायरी में लिख के देखी कि कौन सी कहानी क्या कहानी मैं बताऊं फिर क्या जानकारी बताना चाहिए क्या विश्वास है मेरा ताकि आपको उदाहरण भी समझ में आए और फिर इसकी प्रक्रिया भी समझ में आए जी सर तो और कोई प्रश्न जी एक बात और पूछनी थी हाँ बोलिए सर जैसे आ, आप अभी हमसे शुरू से बात कर रहे हैं सर आ, हमें पता था कि आप हमें हमसे किस बारे में बात करने हाँ चार, चार, स्टिल हम जानना चाहते थे कि आप हम सुन रहे थे आपकी बात की हाँ आप क्या कह रहे हैं तो सर जैसे कि मेरा अचार का काम है तो सर मेरे को कहीं ना कहीं स्टार्ट इसी इसी बात से करना पड़ता है कि मैं अचार बनाता हूँ कुछ कुछ बातें अलग से हाँ तो आप जैसे मान लीजिए कहानी की बात कर रहे हैं तो अचार से जुड़ी हुई कोई आपकी बचपन की कहानी होगी कोई नानी दादी की कहानी होगी कोई मामा चाचा मौसी फूफा किसी की कहानी होगी जो अचार से जुड़ी हुई है कहीं से सोच के आपको कोई कहानी निकालनी पड़ेगी सर uh, मैं समझ गया आपकी बात मैं ये कह रहा हूँ कि सर uh, जैसे यहाँ पे ज, जिस जगह हम अभी हैं यहाँ पे सर बात हो रही है इनोवेशन की बट सर अचार का नाम मेरे मुंह से अचार का नाम जैसे ही निकलता है लोगों को समझ आ जाता है अच्छा ये तो वहां से अचार बनाएगा और अचार बेचेगा इसमें नया कुछ नहीं है तो so, सर मैं जब तक मैं नई बात करता हूँ वो भी वो उसी चीज से को कर लेते हैं कि हाँ यार इसका अचार का ये इसका क्या नया है तो सर उसको जो नयापन है समझ रहे हो सर मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मैं आचार के बारे में बात करूं बट उनको ये लगे कि हाँ यार ये तो कुछ नया कुछ अलग से बता रहा है ये वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं कि उनके दिमाग में सीधा इमेज ना तो आपका प्रश्न ये है कि उनके मन में ये चीज जो है उससे कैसे बचा जाए मतलब उन उनके मन में ऐसा ना आए आप ये चाहते हैं। सर मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब बात करूँ उनसे तो वो पूछ, जब तक मैं बोलूँ तब तक मुझे सुने अपने दिमाग में वो ना बना लें कि हाँ यार ये हमें पता है की ये क्या बात करेगा मेरे से सुनने उसके बाद दिमाग में डिसीजन ले हाँ यार इसमें ये बात बोल ली है क्योंकि सर मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनकी भी गलती नहीं है सर अब वो भी सुनने के लिए बैठे हैं बट मेरे बताने में कुछ गलती होगी कि वो स्टार्टिंग में समझ आता है ठीक है इसका अचार का काम है सब्जी लेकर ही अचार बनाएगा और अचार बेचेगा इसमें कुछ नया नहीं है तो सर वो पहले से ही उनका वो हो जाता है और जब तक मेरी प्रेजेंटेशन खत्म होती है तो सर काफी लोगों के रिएक्शन कुछ अच्छे नहीं होते अच्छा नहीं तो सबसे बड़ा काम यही है कि आपकी कहानी लोगों को देखिए आप अपने टीवी को ही देख लीजिए या और भी चीजों में देख सकते हैं पर टीवी एक बहुत अच्छा आसान उदाहरण है कि जहां भी घरों में टीवी होता है लोग कोई भी समाचार या कोई धारावाहिक है या चीजें क्यों देखते हैं सर सोच, क्योंकि कहानियां है इधर कहा, कहानिया वो... वो हुआ उधर इसने इसका लूट लिया तो उसने <laughs> कुछ बड़ा काम कर दिया तो किसी ना किसी की अच्छी कहानियां रहती हैं बु, बुरी भी हो मतलब सब तरह की रहती हैं पर लोगों को कहानियों से जुड़ना आसान होता है और ये सिर्फ लोगों की बात नहीं है आप बच्चों को देखेंगे तो सबसे आसानी से समझ में आएगा कि किसी को भी आपको यदि पांच मिनट के लिए भी अपने पास बिठाना है तो उसको कहानी यदि सुनाएंगे तो बच्चा बैठेगा नहीं तो वो दो मिनट में आपको छोड़ के भाग जाएगा जी जी ठीक जी। है तो सबसे जरूरी आपकी कहानी ही है कि चाहे देखिए हो सकता है कि किस तरह से हम प्रेजेंटेशन करते हैं किस तरह से अपनी बात दूसरों को प्रस्तुत करते हैं इस बारे में आपने पहले भी किसी से सीखा हो या सुना हो hmm. तो आप आज मैं आपके पास बताने आया तो हो सकता है आपके लिए ये भी नया ना हो लेकिन मेरी कहानी पक्का नहीं होगी क्योंकि वो मेरी कहानी है जी. ठीक है तो मैं अपनी कहानी यदि आपको सुना पाया आप थोड़ी देर ध्यान दे पाए तो आपकी भी कोई ना कोई ऐसी कहानियां होंगी या आप ऐस, ऐसी कहानियां बना सकते हैं जो काम में आए हो सकता है वो बचपन की ना हो हो सकता है वो बड़े होने के बाद की हो, हो सकता है वो अचार से जुड़ी हुई कोई और मतलब जैसे आपने पहली बार क्यों सोचा कि आप अचार बनाना चाहते हैं आपके खुद के जो अंदर के अनुभव है ना उससे आसान कहानी और उससे असरदारक असरदार कहानी कोई हो ही नहीं सकती जो आपने खुद आ, अनुभव की है mm. तो आप अपने अनुभव से सुनाएंगे, तो लोगों को आप पकड़ के रखेंगे यदि कम... सीधे अचार के बारे में बताने लगेंगे तो हो सकता है कि लोग लोगों को वही लगने लगे जो आप बोल रहे हैं तो अपने मन के अंदर के ये जो चीजें हैं ना इनको भी हमको कम करना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे लोग यदि हम यही सोचते रहे कि लोग क्या सोचेंगे तो फिर लोग सो, क्या सोचेंगे क्योंकि हम भी तो वही सोच रहे <laughs> हमने भी वही जिम्मेदारी यदि ले ली तो आप उतनी चिंता मत कीजिए अपनी कहानी यदि सही है और अपना खुद का अनुभव है अच्छा है तो और ये दुनिया में बहुत होता है व्यवसायियों के साथ कि आपको दस में से हो सकता है पाँच लोग मिले जो सुनने ही नहीं चाहते तो ठीक है कोई बड़ी बात नहीं ऐसा नहीं है कि हमको पकड़ पकड़ के किसी को सुनाना है जैसे आज मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये कहा भी था कि आप पंद्रह लोग यदि पे आए हैं तो क्योंकि आप जानना चाहते हैं इस बारे में या और भी कोई दूसरी जानकारियों के बारे में इसलिए आप आए हैं और क्योंकि आप आए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपको पकड़ के बिठा के नहीं बता रहा हूँ कि मेरी बात सुनो यदि आपको मैं वैसे बिठाऊंगा तो आप नहीं बैठेंगे आप कोई भी हो फिर तो वो छोटा सा बच्चा हो चाहे कोई बड़ा हो बिल्कुल सर, बिल्कुल सर अगर बैठेगा भी तो दिमाग कहीं और होगा सुनेगा नहीं हाँ तो जो पांच लोग आपको सही में सुनना चाहते हैं वो सुनेंगे तो आप ये चिंता मत कीजिए कि वो दस में से पांच जिनने नहीं सुना वो उनने क्यों नहीं सुना उनकी चिंता <laughs> मत कीजिए ठीक <laughs> है सर सर मैं जितनी बार भी आगे प्रेजेंटेशन दी है हमेशा अचार से स्टार्ट की है अगली बार कोशिश करूंगा सर कुछ

फिर अपनी जो जानकारी है अपने व्यवसाय के बारे में वो बीच में लाइए कब बीच में लाइए जब आप अपना वो संदेश जो है जो जरूरी वाला वो बोल चुके हों तो संदेश बनाने में कई बार पूरा-पूरा दिन लग जाता है क्योंकि आपको दस शब्दों के अंदर वो बात बोलनी है जो आपके पूरे काम से जुड़ी हुई है जी सर कई बार तीन तीन दिन लग जाते हैं हम मैंने एक दो बार लोगों की मदद की है ऐसा संदेश बनाने में तब अच्छा मतलब बहुत मज़ा आता है क्योंकि हम हम बहुत तरह से सोचते हैं कि ये बोल के देखें कि वो बोल के देखें फिर कुछ आइडिया आते हैं कुछ नए नए विचार आते हैं किसी को भी आ सकते हैं कोई छोटे बच्चे को भी आ सकते हैं कोई जरूरी नहीं, नहीं कि हर नहीं, कोई बड़ा ही ऐसा सोचेगा और बस फिर जब तैयारी हो गई जानकारी हो गई तो फिर कोई मुश्किल नहीं आप आराम से बातें कर सकते हैं अपने बारे में हम्म तो अब देखें और किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे मुझे एक चीज नहीं पता चल रही कि कौन कब बोल रहा है मुझे पता कैसे चलेगा हाँ अभी थोड़ा सा समझ में आ रहा है तो मैं सुनना चाहूंगा आप लोगों में से भी कि आपने कुछ अपने अनुभव यदि कोई बताना चाहे आ, अहमद जी हैं अमित जी हैं आशीष जी ने तो ऑर्गेनाइज किया है एक और आशीष जी भी हैं यहाँ पे फिर भाविक जी ने अभी बताया धरुण शर्मा जी ललित जी करण विवेक साक्षी जी सिद्धार्थ जी स्वर्णलाल जी ने भी अभी थोड़ा सा बताया था उमंग जी और वर्धा जी तो मैं आप में से किसी एक को चुनता हूँ जो मैं और आप चिंता मत कीजिए हम नॉर्मल बातें करेंगे तो मैं आपको अभी के अभी कुछ प्रेजेंटेशन करना है वैसा नहीं कहूंगा तो साक्षी जी आप यदि बताना चाहेंगी कि आप क्या करना क्या करने की कोशिश कर रही हैं क्या आपका बिजनेस है या जो भी व्यवसाय है मैं एक दो लोगों को चुनके रैंडमली कोशिश करता हूँ तो साक्षी जी का शायद माइक में गड़बड़ है क्या आवाज तो नहीं आ रही चलिए पांच दे देखता हूँ उसके बाद अगले पे बढ़ के बढ़ते हैं वरदा वरदा जी शाह यस सर गुड आफ्टरनून सर नमस्कार बोलिए आप ठीक अच्छे से तो मेरा नाम वर्दा है मैं कश्मीर से हूँ मैं एक पी एच डी स्कॉलर हूँ फ्रॉम स्कॉस्ट कश्मीर यूनिवर्सिटी इन फ्लॉटिकल्चर एंड लैंडस्केप आर्किटेक्चर तो मेरा जो स्टार्टअप आइडिया है वो रिलेटेड टू लैंडस्केपिंग है तो मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो लैंडस्केप एडेबल लैंडस्केपिंग करेगा विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोपोनिक खेती भी कहते अरे वाह मतलब जिन पेड़ पौधों में हम घूम रहे हैं उन्हीं को हम खा भी सकते हैं वैसा नो लाइक ऑर्गेनिक में हम वेजिटेबल्स uh, खुद घर पे अगर स्पेस अवेलेबल नहीं है तो हम आपको वर्टिकल गार्डन या रूफ गार्डन ऐसा कुछ प्रिपेयर करके वहां पे आप खुद से अपनी खेती कर सकते हैं आपको उसके लिए लैंड कम जगह में कम जगह में अच्छी से हाँ तो हाँ तो 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 ये मेरा स्टार्टअप है बट इसके साथ में टेक्नोलॉजी का यूज ये करें कि मैं हाइड्रोपोनिकली करेंगी क्योंकि उसमें फायदा है कि काफी अमाउंट अमाउंट में वही रहेगा मेजर है, तो रहे है, है रोमेन उस पर फोकस कर रही हूँ तो उसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं जी जी पूछिए मैं बस ही पूछ रहा था कि का मतलब कैसे समझा जाए अच्छा ठीक मतलब मतलब uh, तो हाइड्रोपोनिकॉइल uh, की हम अल्टरनेटिव मीडिया यूज कर सकते हैं कोको -को पिट्टी है। से हो जाता है कम मिट्टी नहीं हम उसमें मिट्टी नहीं अल्टरनेटिव मीडिया यूज करते हैं लाइक कोकोपीट है परलाइट हो गया वर्मिकुलाइट हो गया हम उस वो यूज कर सकते हैं और उसके लिए हमें जमीन हम है एग्रीकल्चर जो शॉप है वहां से आपको को पीट ये सब मीडियाज हैं जो खरीद सकते हैं ये तो प्राकृतिक है।, है।, है जी अच्छा वो लाइट वेट है इसलिए हम हाइड्रोपोनिक्स में यूज करते हैं एंड उसके काफी अगर हम सॉइल से ज्यादा देखें तो उसमें ज्यादा अच्छा तो और उनको फिर फिर बार बाद में कभी बदलना भी पड़ता होगा तो या आप फिर नहीं बदलना पड़ता अगर हम हम अमेंडमेंट्स यूज़ करते हैं में फर्टिलाइजर्स वगैरह ऐड करते हैं ताकि उसका फर्टिलिटी स्टेटस बट मीडिया तो वही तो रहेगा ना हमारा मीडिया तो अच्छा आइडिया तो है पे इन प्रोसीजर से हम मिट्टी में करते हैं सोइल में लेते हैं वैसे हम डिफरेंट मीडियाज यूज करते हैं उसमें हम करते हैं बट वो ऑर्गेनिक होता है काफी उसमें हम हाँ, ज्यादा केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स वगैरह नहीं केमिकल नहीं रहते हाँ तो बढ़िया मतलब मैं सिर्फ यही समझने की कोशिश कर रहा हूं कि उस

ये फोकस हम जो हमारी स्टेट है वो एक स्टेट है बट हमेशा से हमारा जो रह चुका है, वो या तो, तो मुझे लगा इसमें शायद हम लोगों को अगर इस तरफ ले जाए तो इसके काफी फायदे समझे तो लोग ये ऑप्ट करें ये हाँ बहुत बढ़िया हाँ. है तो अभी आप किस तरह से लोगों तक पहुंचती हैं अभी कुछ

ओके स्टार्ट okay, कैसे करते हैं अपने है, लाइक अपना बिजनेस प्लान तो आप ये पूछने की कोशिश पूछ करते हैं मतलब यदि तो अभी तक आपने, आपने किसी से बात की होगी तो uh, क्या आप बताती हैं तो मेरा स्टार्टिंग ये नहीं होता कि मैं अपना बिजनेस आइडिया शेयर करूं कि मेरा ये आइडिया तो मैं ये जानने की कोशिश करती हूं कि उनके नजर में गार्डनिंग या इसका कितना रोल है वो अगर वो करते हैं वो प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं या वो लोकली किसी को हायर करते हैं या खुद से करते हैं तो पहले मैं उस लेवल तक जाने की कोशिश करती हूँ कि इनके दिमाग में कितना है अंडरस्टैंडिंग कितना कर चुके हैं इस चीज़ को क्या है तो उसके अकॉर्डिंगली उनको जब ये कहती हूँ गार्डनर्स हायर करते हैं लोकल गार्डनर्स दे आर प्रोफेशनल पीपल तो वहां तक ठीक है आपको बट अगर आपको लाइफ में या कुछ प्रॉब्लम आ जाती तो वो टेक्निकली उस चीज को हैंडल नहीं करते क्योंकि उनमें प्रोफेशनल डिग्री नहीं होती है तो आप एक लॉस में तब चले जाते हैं तो आपके इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए आप ये कभी सोचा है कि आप प्रोफेशनल वे में अगर किसी को हायर करें तो मैं इस इस प्रकार को उनको वहां तक ले जाने की कोशिश करती हूँ बट नॉट स्टार्टिंग जस्ट फ्रॉम माई बिजनेस हम्म आपकी आ, हाँ मतलब अच्छा है स्ट्रेटेजिक क्योंकि हम इस तरह की बातें भी कर रहे हैं ना कि एक चीज़ तो ये है कि हम अपनी बात किस तरह से किसी को समझाएं या बताएं जो आज हमने काफी सारा देखा सीखा मेरी आशा है कि आप लोगों ने सीखा होगा देखे देखे। uh, अभी मैं आशा ये भी करता हूँ मैंने कुछ दिन पहले आशीष जी को uh, बोला भी था कि यदि इस सेशन के बाद आप लोगों में से कुछ लोग इस सेशन में किस तरह से हम प्रस्तुतिकरण सीखे उसके हिसाब से अपना अपना दो तीन चार पांच या सभी के सभी यदि अपने 10-10 दस दस मिनट में बताना चाहें तो हम एक और कभी एक सेशन करना चाहेंगे और आपको अपना प्रेजेंटेशन बनाने में क्योंकि हो सकता है कि सबके पास कंप्यूटर ना हो तो कोई भी मदद चाहिए तो आपका ये जो खुद का एक ग्रुप है कृषि विश्वविद्यालय का इसमें से भी लोग मदद ले सकते हैं मुझसे कोई संपर्क करना चाहे मुझसे मदद ले सकता है पर कुछ ना कुछ अपने अपने बिज़नेस के बारे में या अपने काम के बारे में ऐसा बनाइए कुछ दिनों में और बताइए चाहे मुझे बताएं चाहे किसी और को बताएं पर किसी ना किसी को ज़रूर बताएं ताकि उसमें हम फीडबैक ले सकें या और क्या अच्छा कर सकते हैं और किस तरह से उसको बढ़ा सकते हैं तो तो ये एक चीज़ तो हमने सीख ली अब एक चीज़ शायद आप में से किसी किसी ने ध्यान दिया होगा वो मैं आपको वापस पीछे जाके दिखाता हूँ कि मैंने कई सारी तस्वीरें उपयोग की हैं तो ये एक बहुत काम की चीज है कि जब आप कोई कहानी सुना रहे हैं किसी को तो यदि आप कंप्यूटर या इस तरह किसी कागज वाले माध्यम की मदद से यदि कर रहे हैं तो तस्वीरें उपयोग कीजिए किसकी हों आपकी खुद की हो जैसे आपको यहाँ किसी किसी तस्वीर में मैं खुद भी नजर आ रहा हूँ ये मैंने खुद बनाई तो और कहीं कहीं पे दूसरों की भी हैं तो अब एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ ये भी काम की चीज है क्योंकि ये स्ट्रेटेजी है हम कैसे ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी अपने बिजनेस के लिए बना रहे हैं क्योंकि जब हम किसी से सही तरह से बात करेंगे तब वो इंसान ग्रैब कर सकते हैं हाँ वो आपकी मदद के लिए आगे आ सकता है या आ सकती है या फिर आप उस पर किसी ना किसी तरह का असर डाल सकते हैं तो एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ कि कभी यदि आपको तस्वीरें ढूंढनी हो तो एक तो कई लोग सोचते हैं कि हम इंटरनेट पे जाके तस्वीरें ऐसे ही ढूंढ लें पर बहुत सारी तस्वीरों के साथ उनका कॉपीराइट राइट इशू होता है कॉपीराइट का मतलब है कि यदि आपने किसी और की तस्वीर अपने किसी भी किताब में या प्रेजेंटेशन में या प्रस्तुतिकरण में उपयोग कर ली और यदि वो कॉपीराइट आपने उससे पूछा नहीं है कि मैं कर लूं क्या तो वो आपके ऊपर केस भी कर सकते हैं तो कॉपीराइट एक ऐसी चीज है जिस के कारण आप कोई भी तस्वीर ऐसी उठा के उपयोग कर ले वैसा ठीक नहीं होता तो कुछ ऐसी साइट हैं और भी मिल जाएंगी मैं आपको एक उदाहरण के लिए एक साइट बता देता हूं अभी आपको सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है yes, तो ये एक साइट है मैं आपको यहाँ पे चैट में भी लिख के दे देता हूँ यदि उस मतलब देखने के लिए चाहिए तो हाँ पेक्सेल्स डॉट कॉम तो ये एक साइट है जहाँ पे जो भी फोटो या वीडियो आपको मिलेंगे या दिखेंगे वो सब कॉपीराइट फ्री हैं तो मतलब यहाँ पे यदि आप कोई चीज़ यहाँ से लेंगे तो आपको उसमें कोई क्लेम उसमें आपको कोई केस नहीं कर सकता या कोई क्लेम नहीं कर सकता कि आपने हमारी क्यों यूज़ की उपयोग की क्योंकि जो भी है ये अपने आप उसी तरह की चीज़ें हैं जो फ्री फ्री हैं मुफ्त में मिल जाएंगी तो यदि आपको मान लीजिए ढूंढना अचार तो अब मैंने लिखा पिकल तो पिकल के बारे में देखिए आ गई तस्वीरें तो अलग अलग तरह के अचार और बहुत सारी तस्वीरें हैं सब्जियां भी दिख रही हैं कुछ कुछ अचार से सीधे जुड़ी हुई हैं कुछ और भी चीजें उसमें नजर आ रही हैं तो आपको और इनमें से कोई भी तस्वीर आप उपयोग कर सकते हैं तो इसमें ढूंढने की या सोचने की जरूरत नहीं है कि फ्री है कि नहीं है तो अब मान लीजिए आपकी लैंडस्केपिंग है तो लैंडस्केप लिया मैंने या लैंडस्केपिंग ले लेते हैं और ये आ गई तो अब फिर से आ गई ढेर सारी तस्वीरें तो यदि अपना प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको तस्वीरें उपयोग करनी है और ढूंढना है कि कहाँ से मिलेंगी जिसमें कोई ये सोचने की जरूरत ना हो कि किसकी हैं तो या तो आप अपनी खुद की तस्वीरें बना सकते हैं या अपने खुद के कैमरे से आप मान लीजिए खींच ले लें तस्वीरें तो आप आराम से उनको उपयोग कर सकते हैं उसमें कोई कॉपीराइट का कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि वो आपकी खुद की हैं और या फिर ऐसी वाली साइट जो अभी मैंने आपको एक उदाहरण बताया तो यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ मैं उसका नाम पैक्सेल्स डॉट कॉम जहाँ पे फ्री में मिल जाती हैं मुफ्त में मिल जाती हैं आपको उसके लिए किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है और कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कोई फोटोग्राफर मित्र है मान लीजिए जो अच्छी तस्वीरें लेता है और उससे आप कुछ बिल्कुल अपने बिजनेस की ही तस्वीरें खिंचवाना चाहते हैं तो फिर अलग बात है फिर आप उसको बोल सकते हैं वो खींच के आपको दे सकता है हो सकता है कुछ आपसे पैसे भी लेगा और वो ठीक है क्योंकि वो आपके ही बिल्कुल जो आप कर रहे हैं उसी बिजनेस की तस्वीरें ले रहा है तो फिर वैसा भी कर सकते हैं पर कहीं ना कहीं आप यदि तस्वीरें उपयोग करेंगे तो आपकी कहानी या आपका जो संदेश आप देने की कोशिश कर रहे हैं उसका असर अच्छा पड़ता है उसका असर ज़्यादा पड़ता है तो ये भी एक चीज़ है कि जितनी भी आपने बनाई पूरी की पूरी बात बताने के लिए लोगों को ये आपकी स्ट्रेटजी में होना चाहिए या आपकी योजना में ये भी आप जोड़ लीजिए कि कहाँ से आप तस्वीरें निकालेंगे और तस्वीरों को कहीं ना कहीं अपने प्रेजेंटेशन में या अपने बातों में लेके आइए तो यदि आपको सिर्फ़ बोलने का मौका है मान लीजिए दिखाने का मौका नहीं है तो तस्वीर का नाम हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये कहानी सबसे काम की चीज़ है जब आप किसी को कहानी बता रहे होते हैं ना तो कहानी यदि वो अनुभव वाली कहानी है तो लोग अपने आप अपने मन में उस जगह पे पहुंच जाते हैं तो तस्वीरें है वही तो कर रही हैं यदि आपके पास तस्वीरें दिखाने का जगह नहीं है कोई कंप्यूटर पे नहीं कर रहे किसी से सिर्फ बात कर रहे हैं तो आपके पास जो आपकी कहानी है वही सबसे बड़ा माध्यम है उसके मन में आपके कहानी से जुड़ी हुई तस्वीरें बनाने की और इसलिए हम तस्वीरों की बातें करते हैं कि आपकी कहानी से भी ये सबसे आसानी से हो सकता है तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कहानी चाहे जहाँ पे भी हो आप अपनी स्ट्रैटेजी किसी को बता रहे हैं अपने बिजनेस के बारे में किसी को बता रहे हैं आप अपने किसी मुश्किल के बारे में किसी को बता रहे हैं चाहे आप अपनी किसी उपलब्धि के बारे में किसी को बता रहे हैं कहानियाँ हर जगह काम में आएंगी और कुछ कहानियाँ तस्वीरें भी बना देंगी अपने आप बना देंगी और यदि तस्वीर उपयोग करने की जगह है आपके पास किसी कागज़ पे या किसी ऐसे प्रेजेंटेशन पे तो भी तो और, और अच्छा है तो आपकी कहानी और अच्छे से पहुंचेगी लोगों के पास तो अभी अभी कोई और प्रश्न किसी का तो मैं एक और मनुष्य को चुनता हूं इस मीटिंग में से आ, साक्षी जी तो बोली नहीं शुरू में जब मैं पूछा था उनके शायद माइक में कुछ गड़बड़ है बुद्ध बर्मन जी आप कुछ बताना चाहेंगे बुद्ध जी बुद्ध जी आप अपना माइक ऑन कीजिए प्लीज और लगभग पांच सेकंड में देता हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि माइक में कुछ किसी के परेशानी है तो सुन तो पा रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे तो ठीक है अरे आ, आ गए आ। बुद्ध जी आ गए बोलिए हेलो हाँ नमस्कार सर नमस्कार बुद्ध जी सर ये प्रेजेंटेशन काफी अच्छी थी जिससे काफी हमको समझ आया कि अपनी कहानी को कैसे करके लोगों को बताना है तो मेरा सर इसमें एक सवाल था जैसे कि हमारा जो कहानी है वो उसमें हम हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम कोल्ड स्टोरेज और हार्डवेयर का, का काम कर रहे हैं तो हाँ. उसकी कहानी सर कैसे करके करनी चाहिए कि हम सीधे उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए बोले या हम अपना सोल्यूशन उनको बेचे किस चीज में है आपका आपने बताया कोल्ड स्टोरेज सर कोल्ड स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज हाँ तो कहानी देखिए कहा कहानियां यदि सोचना है तो आप मुझे बिल्कुल अलग से भी संपर्क कर सकते हैं पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ और ये हर किसी को काम में आएगा चाहे वो अचार की बात हो चाहे लैंडस्केपिंग की बात हो चाहे कोल्ड स्टोरेज की बात हो कि सबसे पहले आपको बनानी है या पता लगानी है या खुद के जीवन के अंदर से ढूंढ के निकालनी है कोई ना कोई कहानी और वो एक से ज़्यादा हो तो और भी अच्छा है पर एक तो कम से कम निकालनी है तो अब मैं आपको ये जो अभी इस पेज पर दिख रहा है ये बाद में बताऊंगा थोड़ी देर बाद पर कहानी यदि सोचना है तो मान लीजिए कि कोल्ड स्टोरेज क्योंकि नई चीज है आपने चालू की है तो हो सकता है आपके खुद की कोल्ड स्टोरेज से जुड़ी हुई कोई कहानी नहीं हो लेकिन फ्रिज तो दुनिया में हर घर में होता है हाँ जी हाँ जी फ्रिज से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी चीज की आपको चार दिन तक कहीं जाना पड़ा और आपको समझ में आए कि कोई ऐसी चीज है जो खराब हो जाएगी तो आपने उसको सोचा कि चलो फ्रिज में रख देते हैं तो अब भले ही हर दिन में काम आने वाली चीज है अपन ये चीज को कहानी की तरह से बता सके किसी को शायद हम सोचते भी नहीं कि कोई चीज हम खराब होने से बचाने के लिए फ्रिज में रख देते हैं तो यदि वो फ्रिज नहीं होता तो वो चीज दो एक आध दिन में खराब हो ही जाती तो अब बिल्कुल बिल्कुल इसकी बड़े पैमाने पे क्या उपयोगिता है यदि कोई किसान है बड़ा सा उसका खेत है उसने ढेर सारी सब्जियां उगाईं या फल उगाए या कुछ नई चीजें बनाई अब वो कहाँ रखेगा एक बार वो खेत में से निकाल लिया तो तो ऐसी जब उसको बड़े पैमाने पे जरूरत है तब कोई ऐसा बड़ा सा फ्रिज चाहिए जिसको वो उपयोग कर सके जिसके लिए वो थोड़े से पैसे जमा कर सके कि भैया एक महीने के लिए रखो या पंद्रह दिन के लिए रखो या दस दिन के लिए रखो तो ऐसी जगह कहाँ मिलेगी मुझे तो यही वो जगह है जो हम बना रहे हैं जी ओके ओके समझ के तो कोई भी ऐसी कहानी जो आपके दैनिक जीवन से या आपके जीवन में कहीं ना कहीं जुड़ सके वो कहानी आपको बनानी है और आपके पास ये जो पंद्रह बीस लोगों का ग्रुप यहाँ समूह मिला है ये तो बहुत अच्छी जगह है क्योंकि आपने मान लीजिए कहानी बनाई और ये ग्रुप जो है बनी इसलिए कि हम लोग सब मिलजुल के एक दूसरे की मदद कर सकें क्योंकि सबसे ये बहुत बड़ी चीज़ है यदि मैं आपको दिखाऊंगा ये अगले पेज पे आया है कि हम साथ में मिल एक दूसरे की मदद करके जितनी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं फिर वो अकेले आप वो कभी नहीं कर सकते एक दूसरे से सीख के एक दूसरे की मदद करके तो यदि मुझे किसी से कुछ चाहिए तो मैं जो मुझे चाहिए मैं उसके बारे में सोचना छोड़ दूं लेकिन मैं उसकी क्या मदद कर सकता हूँ मैं वो सोचना चालू कर दूं। तो मेरे पास मेरे जरूरत की चीजें ना अपने आप आ जाएंगी ये एक बहुत बड़ी बात है आमतौर पर बहुत कम लोगों को समझ में आता है कि मैं सिर्फ अपना अपना छोड़ के दूसरे के लिए कैसे सोचूं लेकिन यदि ये किसी ने करके देखा है मैं तो जीवन भर यही मतलब मैं ये बहुत करता हूँ तो मुझे इस चीज़ का अनुभव है कि यदि मैं किसी की मदद करने लग जाऊं तो मेरी जरूरत की चीजें अपने आप कहीं ना कहीं से आ जाएंगी मुझे उसके लिए अलग से हाथ पैर नहीं मारने पड़ेंगे तो ये इतना अच्छा समूह बना है आपको यदि अपनी कहानी बनानी है तो आप अपनी कहानी बना के दूसरे के साथ कितने सारे लोग हैं यहाँ पे किसी के भी साथ मिलके उनको बताइए कि देखो मैंने ये कहानी बनाई है और आपको कैसी लग रही है मतलब आपको क्या लग रहा है इससे कुछ अच्छा कुछ लोगों को फ़ायदा होगा क्या कुछ असर पड़ेगा क्या या मैं कुछ बदल सकता हूँ क्या तो आप लोग आपस में भी बहुत अभ्यास कर सकते हैं अपने 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 कहानियों का क्योंकि हर किसी के अपने अपने विचार हैं अपने अपने तरीके हैं तो आपको अपना खुद का जो तरीका है वो बदलने की जरूरत नहीं है जैसे वरदा जी ने अपने तरीके से उनके लैंडस्केपिंग के बारे में बताया फिर भाविक जी ने अपने तरीके से उनके आचार के बारे में बताया स्वर्णलाल जी ने अपने तरीके से उन उनकी जो भाषण प्रतिभा अब अच्छी हो गई उस बारे में बताया तो हर कोई अपना अपना तरीका बचा के रखे लेकिन कोई ना कोई कहानी आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों किसी ना किसी दिन जरूर अपनी अपनी कहानियां सोच ले। सर तो मेरा वो एक क्वेश्चन है इसके बीच में सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब बोले, कर बोले। रहा हूं। आ, आपने जैसे बताया कि एक स्टोरी होना चाहिए। तो आ, दो तरह का स्टोरी होता है एक होता है जो हमने, होता है और एक स्टोरी होता है जो हमने बनाया है कि जो स्टोरी आपने एक्सपीरियंस किया है जब आप वो स्टोरी को हम किसी को बताएंगे तो वो जल्दी कनेक्ट करता है

एक रियल टाइम का स्टोरी का शेप कर दें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा बिल्कुल रहेगा इसलिए तो मैंने आपसे आपको यदि याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कई लोगों से ये क्यों पूछा जैसे वरदा जी से पूछा या बाविक जी से पूछा तो मैंने क्यों पूछा कि आपको पहली बार ये विचार क्यों आया या कैसे आया तो जब भी आप अपनी कहानियां बना रहे हैं ना हर कोई अपने आप आपस आप में आप एकांत में बैठ के यदि अपनी कहानी सोच रहे हैं तो इसी जगह पे आप जाके देखिए कि आपने ये करना क्यों चालू किया यदि आपको कहानी ढूंढने में मुश्किल हो रही है तो उस जगह पे जाइए कि ये आपने क्यों सोचा कि आप ये काम करना चाहते हैं चाहे वो मिट्टी से जुड़ा हो चाहे वो पौधों से जुड़ा हो चाहे वो एग्रीकल्चरल में एग्रीकल खेती करने के बाद जो सामान निकलता है उसमें बाद में क्या कर सकते हैं उसको कैसे स्टोर किया जाए उसका बाद में क्या किया जाए उससे जुड़ा हो आपने वो क्यों करने की सोची तो अपना आपका खुद का अनुभव वहां पे अपने आप आ ही जाएगा और फिर आप अपनी कहानी बना लीजिए और वो कहानी ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत लंबी कहानी हो कि राजा रानी मिले तो फिर बच्चे हुए तो फिर राजकुमार आया और बहुत सारी चीज़ें ऐसा खुद ज़रूरी नहीं है आपकी कहानी छोटी सी भी हो सकती है एक छोटा सा अनुभव भी हो सकता है जैसे ये फ्रिज के बारे में अभी मैंने सोचा कि एक बार हम कहीं जा रहे थे और कुछ बहुत जरूरी सामान था जो मुझे सब्जियां थी जो हमको बाद में लगने वाली थी और बाद में हमको समय नहीं मिलता तो हमारे पास फ्रिज था इसलिए हमने फ्रिज में रख दी और वो चार दिन बाद हमको सुरक्षित मिल भी गई तो अब ये तो छोटी सी कहानी है लेकिन उसमें कोल्ड स्टोरेज मतलब चीज किसी चीज को ठंडा रखने का महत्व समझ में आ गया और वो हर किसी के जीवन में होता है कि कभी ना कभी कुछ बचा के रखना है दूध है दही है कुछ ना कुछ है जो आपको रखना ही होता है फ्रिज में तो अपने अनुभव कोशिश करें कि अपने अनुभव ले आए और फिर यदि कुछ सपोर्ट करने के लिए और भी बाहर की कहानियां भी लगती हैं रामायण महाभारत में भी हजारों कहानियां मिल जाती हैं जो काम की होती हैं और मतलब और भी किताबों में सिर्फ रामायण महाभारत की बात नहीं पर और भी जगहों पे कहानियां तो मिल सकती हैं यदि आपको बाहर की कहानियां ढूंढनी है किसी मित्र की कहानी सुना सकते हैं किसी परिवारजन की कहानी सुना सकते हैं क्योंकि वो भी आपके करीबी हैं तो उसमें भी आपका अनुभव कहीं ना कहीं जुड़ा होता है और एक चीज़ मैं आखिरी बताना चाह रहा था कि जब हम इस तरह का प्रेजेंटेशन या चाहे वो कागज़ पे हो चाहे कंप्यूटर पे हो जब कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस पेज को मैंने इसमें इसलिए डाला है ताकि आप ये भी देख सकें कि जब हम कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उसमें रंग जो है यदि हम बढ़िया रंगीन तरीके से उसको बना रहे हैं तो लोगों की आंखों में ज्यादा असर करता है ज़्यादा अच्छा असर डालता है तो पीले हरे नीले लाल जितने भी संभव हैं रंग जो भी आपको उस जगह पे मिल रहे हैं या अच्छे लगते हैं जोड़ दीजिए तो इस पेज पे आपको दिखेगा कि प्राकृतिक खेती और रासायनिक खादों के मदद से जो खेती होती है इनके बीच में एक थोड़ा सा तुलना की गई है की जैविक में क्या है और रासायनिक में क्या है तो रंग यदि आप उपयोग करेंगे तो भी एक अलग अच्छा असर होता है लोगों पे। यदि आप सब कुछ सिर्फ प्लेन सफेद और काला रखते तो थोड़ा अलग असर होता कम असर होता लेकिन थोड़ी रंगीन चीजें होंगी तो असर ज्यादा होगा असर अच्छा होगा और भी अच्छा होगा क्योंकि दुनिया रंगीन है तो अब आपके प्रेजेंटेशन में रंग रंगों की कमी क्यों की जाए तो अब मेरे पास शायद सिर्फ दो तीन मिनट ही बचे हैं और मेरी एक अगली ट्रेनिंग भी है तीन चार मिनट के बाद ही तो आप लोग अपने आखिरी यदि कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं और नहीं तो मैं आपको ये जरूर दिखा देता हूँ कि आ, ये पहला वाला पेज ही है लेकिन इसमें मेरी संपर्क की जानकारी भी है तो यदि आप में से कोई संपर्क करना चाहे भी तो यहाँ पे है और नहीं तो आशीष जी की मदद से भी आप कर सकते हैं कोई मैसेज भेजना चाहें कुछ पूछना चाहें तो मैं बिल्कुल उपलब्ध हूँ जब भी कोई मदद चाहिए तो अब मैं ये बात के अपना अपनी बात समाप्त करता हूँ थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर आज मुझे अब अपने स्टार्टअप्स के बारे में अपने इंक्यूबेट्स के बारे में मुझे अब पता नहीं है कि उन्होंने आज क्या सीखा uh, लेकिन अब मैंने एक जो चीज़ आज सीखी कि इंसान की ग्रोथ के साथ साथ इंसान के अंदर सिंप्लिसिटी होना भी बड़ा जरूरी है बिकॉज मैं अपने स्टार्टअप्स के साथ ये चीज़ शेयर करना चाहूँगा क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ये सोच रहा था मैं उनके साथ ये शेयर करूँगा अंशु जी अंशु सर जो हैं ये बेसिकली इंडिया में तो अपने प्रोजेक्ट हैंडल करते ही करते हैं लेकिन इसके अलावा मोस्टली ये जो काम करते हैं ये जो अपना जॉब कर रहे हैं दैट इज इन यूएस एस सिएटल प्रेजेंटली इज़ वर्किंग ये जो काम कर रहे हैं वर्किंग ऑन ओरेकल डाटा बेस अप्लाइंसिस फॉर गेम स्टॉप उससे पहले 2018 में ये स्टारबक्स के साथ एसोसिएटेड थे सिएटल में यूएस में uh, उससे पहले ट्रेनिंग लॉट के साथ एसोसिएटेड थे एंटरप्राइज आर्किटेक्ट डाटा बेस एक्स डाटा कंसल्टेंट क्लाउड आर्किटेक्ट जो यूएस बेस है सो so, मुझे जो आज एक चीज़ सीखने को मिली है डेट एक एक इंसान की ज़िंदगी में लाइफ में उसकी आ, जो उसके अचीवमेंट्स हैं जो उसकी ग्रोथ है उसके साथ साथ एक सिंपलिसिटी भी होना बड़ा ज़रूरी है जो मैंने आज अंशु सर के लेक्चर में देखी उनके आ, बिहेवियर में देखी सो so, उसके लिए मैं आ, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं अंशु सर को एंड मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह की कुछ कुछ क्वालिटी मैं भी अपने अंदर डाल सकूं इन फ्यूचर थैंक यू सर थैंक यू सो मच धन्यवाद आशीष जी फिर मिलेंगे आप लोगों से फिर से बात करने का मौका मिले तो और मज़ा आएगा कोशिश करते हैं hmm. चलिए नमस्कार सभी को नमस्कार सर बहुत बहुत शुक्रिया शुभ दिन सबका शुभ दिन Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.